आज मौजूद तो हैं दो बहुत ही खास मेहमान जिनसे हम बहुत ही कैसी कॉन्वर्जेशन करने <laughs> लगे जो कि हमने टीवी पहले नहीं की हमने एक थोड़ी सी की थी वॉटर स्कॉसिडी के ऊपर बट जनरली इसके ऊपर बात बहुत हो रही है रिसेंट टाइम्स के अंदर क्लाइमेट चेंज Um, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा सुनने में आ रहा है कि यू नो खाना शाना नहीं होगा तीन चार साल में एंड आई थिंक इट्स इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम एंड के इसको सीरियसली डिस्कस भी किया जाए एंड उसके लिए वी हैव टू ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन पाकिस्तान हु आर वर्किंग ऑन दिस वी हैव दस हसन अनवर हुज दी प्रोग्राम डायरेक्टर एंड तलहा खान हुटिव डायरेक्टर एट पी ई टी विच इज़ पाकिस्तान एनवायरमेंट ट्रस्टर गैस थैंक यू सो वचिंग पार्ट द शो Thanks thank a lot, Muzamil, for inviting us. Uh conversation, if you can introduce yourselves uh, with a little bit about your early life and education and and how do you how does one come about working at, at at such an organization? Well thank you so much, Muzamil, for the kind introduction. But uh, I was born in Islamabad. Right. Uh, a long time ago.

तो मैं पेशावर गया पेशावर में मैंने फिर 11 साल गुजारे अच्छा उसके बाद मैंने अपनी हाई स्कूल पेशावर से ही किया कॉलेज आई वेंट टू जी के फॉर माय इंजीनियरिंग डिग्री इंटरेस्टिंग एंड स्कूलिंग आपने कहाँ से की पेशावर में पेशावर में पहले मैंने स्कूलिंग की एक पब्लिक स्कूल था उस उधर से यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल कहते थे उसे उसके बाद फिर पी का एक स्कूल था जहाँ से मैंने अपनी मैट्रिक मैंने उधर से किया ठीक है एफ मैंने फिर की इस्ताम कॉलेज में

अच्छा उस जमाने में मैं फुल डाउन में एक डिप्रेशन में चला गया यार मतलब मेरा क्या जिंदगी में कुछ बनेगा नहीं बेसिकली वो मैट्रिक के टाइम ना पेरेंट्स इतना मिडिल क्लास पेरेंट्स खास तौर तो पे इतना प्रेशर देते हैं कि लगता है कि मैट्रिक में कुछ हो गया ना तो बस जिंदगी हो आप कुछ हो नहीं सकता लाइफ के अंदर राइट right. तो मैं ना बेसिकली मैट्रिक में मेरे नंबर कम आए तो मैं ना फुल डाउन मतलब मेरे आई रिमेम्बर कि मेरे डैड ने ना एक घर के सेफ्टी के लिए पिस्तौल वगैरह रखा हुआ था अच्छा उन्हें बाद में खास वो भी छुपा दिया था कहीं कहीं तो ना अच्छा तो तो इतना बैड हो चुका था राइट तो उस दो महीने में फिर इस्लामिक कॉलेज के अंदर एक तो सुबह में बच्चे जाते थे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जिनके अच्छे अच्छे नंबर होते थे तो दोपहर को उन्होंने पैसे कमाने के लिए एक सेल्फ फाइनेंस पे भी एक सेशन रखा हुआ था जिस पर आप थोड़े ज़्यादा पैसे दें तो आपको उस पर एडमिशन मिलता था ऑब्वियसली उसका भी एक मेरिट होता था बट वो लोअर होता था राइट तो अम्मा अब ने फिर उसके अंदर मुझे एक कोशिश की डालने की तो मेरा उस पर कुछ सीन बन गया तो फिर मेरी जान में जान आई थोड़ी फिर मैंने उसके बाद इस्लामिक कॉलेज ज्वाइन किया फिर मैंने कहा मैंने कुछ करके दिखाना है तो करके दिखाने के चक्करों में फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी के टाइम आया तो मैंने अप्लाई किया उस टाइम जे के में फास्ट में और नसमें के इंजीनियरिंग का एक था कि इंजीनियरिंग करनी है राइट राइट और ऑफ इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कंप्यूटर तो फिर उसमें जे में भी सब में एडमिशन हो गया बट एन दी एंड ऑफ डे आई डिसाइड जी आई के एंड ईयर ये है 2002 की बात अच्छा GIK, matlab, उसके अंदर जो दोस्तियाँ बनी वो आज right. भी हैं बट उसमें फिर मैं खुले सान की तरह यूनिवर्सिटी के अंदर ना यू बट लाइक अब तो कर दिया जो करना था ha, ha, ha. अब में चल करनी है cool. तो right? uh, uh, you know, तो uh, जो एक डेटा बेस्ड कंपनी थी यूएस की

उनका ऑफिस yes, था ठीक है, है वो सो डेढ़ सौ बंदा रखा हुआ था और ये दो हजार छह महीने फिर इनके अंदर हमारे कुछ जे आई के लोग भी थे तो वो आए ओपन हाउस पे लुकिंग फॉर टेलेंट राइट सो दे आई फाउंड वन पर्सन आई स्पोक टू ही देरव्यूड मी तो मैंने ज्वाइन कर ली उन्होंने ऑफर की पर उस टाइम में मुझे एलम के आज भी ऑफर आई थी बोथ ऑफ़ देम और ग्रेट ऑफर्स इंटरप्राइज डी बी फेल्ड मोर टू मी लाइक ए स्टार्टअप राइट वो एक्साइटिंग थी थोड़ा डिफरेंट किस्म की चीज थी तो मैं उन्होंने जॉइन किया फिर तीन साल उनके साथ रहा था दैन आई लेफ्ट दे एंड ज्वाइन टेलीकॉम कंपनी अच्छा जो कि टेलीकॉम सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी वो भी एयरकॉम के नाम से थी एक बाहर की कंपनी

छह महीने उनके साथ काम किया फिर वहां से उन्होंने मुझे यूएस भेज दिया 2010 में अच्छा तो जो 2010 मैंने यूएस में गुजारा ए टी एन टी के साथ एन में ये था रेडमेट में अच्छा माइक्रोसॉफ्ट बिल्कौ, है। है। माइक्रोसॉफ्ट और ए टी एन टी ही जगह पे राइट और मुझे कहा दो हज़ार दस के अच्छा मेरी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि मेरी जो मेरी द मटरियल साइड ऑफ माई फैमिली वो सारे मेरे मामू जो है ना वो बड़े पुराने अमरीका गए हैं सही तो मेरी अम्मा जो है ना उनको हमेशा ही डर होता था कि बेटा अगर एक बार चला गया ना मुझसे वापस बाहर तो आना तो नहीं इसमें तो माई अम्मा वॉज वेरी मच अगेंस्ट इट यार मतलब तूने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में अब कुछ बनने का नहीं है मेरा तो मतलब अब तो आना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ तो करना है जिंदगी में जब मैं अमरीका गया तो अम्मा ने कहा कि तुम्हें वापस आना है तो अमेरिका में जाके ये हुआ कि जब मैंने साल गुजार लिया तो द कंपनी मेड मी एन ऑफर यार कि यू स्टे स्टे इन इन द द यूएस यूएस स्विच टू टू अ अ लोकल लोकल पेरोल पेरोल एंड राइट वीज़ा शीजा हम लगा देंगे हाँ. तो उस टाइम पे मुझे मैं था भी सिंगल बैचलर हाँ. तो को ऐसे ही नहीं थे कि को मेरे कोई इतने मतलब कोई लेबिलिटीज नहीं थी हाँ. तो मुझे अम्मा की बात याद तो मैंने कहा नहीं मैंने अमरीका में नहीं रहना अच्छा <laughs> तो फिर मैं अमरीका से वापस बाहर वापस ठीक है उस टाइम फिर मुझे उसी कंपनी में फिर दुबई के उन्होंने ऑफर की

तो चाइना से मैंने फिर एम बी ए किया एम बी ए करने बंदा <laughs> तो जा रहा है yes. उस टाइम पे क्या हुआ? बिकॉजन <laughs> वो मुझे बल्कि आज भी याद है जब मैंने दो हज़ार ग्यारह में ना चाइना का डिसीजन किया कि मैं जी एम बी ए करने चाइना जाऊंगा <laughs> तो मेरा एक कुलगर था पाकिस्तानी वो जिस कंपनी में काम करता था वो छोड़ के किसी और कंपनी में चला गया था अच्छा <laughs> तो उसको पता लगा वो मेरा सीनियर कलग था तो मेरा मैं अपना हसन भाई गया था उन्हें तो हसन भाई आए मैंने हसन भाई ने मुझे कॉल किया यार कि तू क्या कर रहा है नीचे आ तो मैंने कहा इसमें क्या हो गया तो उन्हें कहा नीचे आ तो।, तो मैं नीचे गया तो ही टुकमी आउट फ्रेड फडलान्श राइड तो उन्होंने कहा यार तू ये क्या कर रहा है चाइना जा रहा है तू मतलब यहाँ से कर ले कहीं से मैनचेस्टर ये बिजनेस स्कूल है दुबई के अंदर यहाँ से कर ले मैं भी कर रहा हूँ देख इधर से तो मैंने कहा इसमें मैं आपको समझा नहीं सकता

Really in the business हाँ 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 और हाँ मैंने अप्लाई किया तो इन मुझे स्कॉलरशिप दे दी और आपकी शादी पे नहीं उस टाइमिशन जब अप्लाई किया तो, तो शादी नहीं हुई थी ठीक है पर हुआ कि जब एडमिशन मिल गया तो उसके बाद फिर मेरी शादी भी हो गई अच्छा तो दो में मैंने ग्यारह में मतलब निका हुआ था बारह में शादी हुई शादी के बाद जब शादी हुई तो मैंने रिज़ाइन कर दिया अपनी दुबई वाली नौकरी से तो आप तो मेरी अम्मा मेरी बेगम ने मुझसे पूछा यार मतलब ये क्या गेम चलेगी तो मैंने बेगम को उस टाइम हम दुबई में मतलब शादी के हमारा दुबई चले गए नौकरी रखी जब तक शादी करनी थी और उसके बाद कहा कि बेटा फायदे उठाते उठा ली ठीक है उससे पहले मेरे बाल लगवाने के प्लान थे शादी के बाद वो प्लान ही मैंने कैंसिल कर दिया अब क्या फ़ायदा ठीक है जो होना था वो हो गया तो देन इट देन शी आई आई मीन मीन अल्लाह दे उसका भला करे कि वो अभी तक मेरे साथ जुड़ी हुई है बट वो आई जिंदगी में मेरे तो उसके बाद फिर मैं चाइना चला गया देन देन चाइना में आने के बाद फिर एम बी ए के दौरान ही अब एम बी एज माई माई एम बी वॉज सेल्फ फाइनेंस्ड तो मतलब मैंने बड़ा इंटरेस्टी कोई लोन वगैरह नहीं लिया था तो एक तो स्कॉलरशिप दे रहे थे वो बाकी जो तो सेविंग्स की थी सारी वो मैंने एम बे लगा दी ठीक है तो उस दौरान uh, मेरा बेटा आफान वो पैदा हो गया उसी एम बी ए के साल में और उसने मेरा बेटा पैदा तो अल्लाह मतलब अब तो खैर मार्शल आठ नौ साल का होने वाला है बट उस टाइम मेरा बिल्कुल बड़ा गर्क हो गया क्या मतलब <laughs> एक ही तरफ एम बी ए कर रहा हो पैसे वो निकल रहे हैं अलग ऊपर हाँ। से फैमिली भी है ऊपर हाँ। से नौकरी आई हुई पता नहीं ये नौकरी है क्या बनेगा ऊपर से भी चाइना से रहूं हाँ। जानता ही कोई है ना पाकिस्तान आ भी जाऊँ

एक तो ये चीज़ का एहसास हुआ कि इट्स वेरी किंटरेस्टिंग टू और थ्री डिफरेंट लेवल्स राइट एक तो चाइना में आई थिंक जो काफ़ी लोगों को इसका आइडिया होगा बट आई नो आइडिया नहीं भी हो सकता हो चाइना में फॉर एग्जांपल दर इज़ नॉट अ सिंगल इंग्लिश वर्ड जो चाइनीज़ जो है ना उस जबान के अंदर है मिसाल के तौर पर हम उर्दू के अंदर भी जब फ़ोन की बात करते हैं तो हम मोबाइल कहते हैं अपने फ़ोन hmm. को hmm. अब मोबाइल के लिए भी चाइना में मैंड्रीन में एक अलग वर्ड है चाइनीज राइट, उसकी वजह से माइंड सेट है इंडिपेंडेंट वो चीज़ बड़ी क्लियर आपको चाइना में नजर आती है right. दूसरा जो ग्रोथ है चाइना के अंदर वो हम चाइना से बै, बाहर बैठ के जो चाइना चाइनीज मार्केट का जिनको एक्सपोजर नहीं है दे कॉन्ट इमेजन कि यार वो किस लेवल पे ग्रो करते हैं वो लोग अच्छा ठीक है मतलब उनके हाँ आई कॉन्ट रिमेम्बर मंथ कोई अस्सी लोग उनके बिलीनियर बनते हैं ठीक है समथिंग लाइक मिलीनियर बनते हैं वेरी क्रेजिंग है जब मैं गया तो वहाँ ना बीजिंग से शेंगे के लिए मैगलफ फेल चलती है ठीक है और बीजिंग शेंगे रफली जो कराची इस्लामाबाद डिस्टेंस है वो मैगलिव ट्रेन साढ़े तीन सौ किलोमीटर पर जाती है और आपको तीन से चार घंटे में आपको बीजिंग से शंघाई पहुँचा देती है ठीक है वो ट्रेन मेरे होते हुए भी उन्होंने कराची शंघाई से गुआजू करके जो साउथ में उनकी एक जगह है जो कि इट्स प्रॉबली ट्वाइस और थ्री टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन यू नो शंघाई एंड बीजिंग hmm. वो उन्होंने एक साल दो साल में वो ही बना ली थी लाइन और उसका ओर लाइन भी बन गई थी आई कंपेयर दैट टू द यू और इसके रीजन डिफरेंट है इट्स इट्स नॉट अबाउट द बट अनदर रीजन एज वेल यूके के अंदर मैं 2014 में गया था hmm. और मैं अभी मैं 2022 में अब आया हूँ उधर से ठीक है पिछले आठ छः सात साल में वहाँ पे एक एच एस टू करके एक लाइन है जिसका जिक्र हो रहा है हाई स्पीड का उसका जिक्र ही हो रहा है आज तक बनी नहीं है वो ठीक है so so between... <laughs> हमारे हर तो कंपैरिजन इट यार आई आई डोंट नो बट कट हो जाएगा लाइक टेल यू स्टोरी मैं रिसेंटली जा रहा था ये लंदन जा रहा था मैं एक अपने एक कॉन्फ्रेंसी ट्रिप पे ना तो अगर आप इस्लाबाद एयरपोर्ट आज भी जाए ना तो इस्लाम एयरपोर्ट में एक है आपकी वो स्टैंडर्ड लाइन ठीक है और एक ना लेफ्ट हैंड साइड पे एक दरवाजा बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जी फर्स्ट और बिजनेस क्लास के लिए तो मैं ब्रिटिश एयरवेज पे जा रहा था उसका मेरे पास वो गोल्ड मेंबरशिप है तो मुझे एक्सेस मिलता है उस लाइन का मैं जहाँ इकोनॉमी में रहे था मगर एक एक्सेस की तो मैं गया उस दरवाजे मैंने कहा भाई ये मेरा टिकट है मतलब जाने से मुझे उधर क्यों लंबी लगी हुई है उन्होंने कहा नहीं सर आज हाजियों के लिए जो है ना कि हमने वक्फ़ किया भाई ऐसे उधर लिखा हुआ था हजो, हजाज ओनली तो मैंने कहा अंदर तो सारे इकट्ठे ही जा रहे हैं मतलब और अभी हाजी भी कोई खड़ा भी नहीं हुआ तो मुझे जाने दो यार मेरा टाइम हो जाएगा उसने कहा नहीं सर एक दिन आप हाजियों के लिए वो कर दें छोड़ दें मैं कहा नहीं आपकी बात वैलेट है तो आई वेंट बैक इं टू द क्यू थोड़ी देर बाद ना मैं खड़ा देख रहा हूँ तो उधर से ना दो गोरियाँ आ रही थी पीछे से और साथ उनके दो अपने लोकल बॉयज़ भी थे सही है। तो आए उन्होंने सलाम दुआ की उसके बाद ना लोकल बॉयज़ ने उनको या गो गोरी ने नोटिस ने उन्होंने उसको टिकट दिखाई है तो उस बंदे ने ना उनको जाने दिया तो मैं बंदे को गौर से देख रहा था दूर से मैंने कहा मुझे मुड़ के देखेगा जरूर तो उसने मुझे देखा ना और मुस्कुराया मुझे कहता सर ये हज पे जा रही है तो यार अच्छा मैंने भी मेरे छोड़ा नहीं उसे मैं अंदर गया मैं गया उस गोरी के पास मैंने कहा यार मतलब उसे पूछा मैंने अंग्रेजी अंग्रेजी मार के यार कि मतलब आप हज पे जा रही हो तो शीड अ वेरी इंबेसिंग स्माइल फेस मतलब मैं क्या कहूँ <laughs> तो, मैं तो मैंने बक्से पकड़ के दोबारा उसके पास गया मुझे कहता सर आप इसी बात के लिए आ रहे हैं मैंने कहा देखो एक बात है कि जो इमरान खान कहता है हाँ। ना मुझे वो बात चाहे मैं उसे अग्री करूँ ना करूँ हाँ। मगर उसकी ये बात सही है कि यार हमारी गुलामी है ना वो गोरे की हाँ। मतलब गोरे को देखा आपने वो हर एस्पेक्ट में आपके अंदर आपने कहा कि और जाने दो इसे हां हां मैं जो कि देसी शक्ल लेके आया था आपने मुझे कहा रहे आप नहीं जा सकते हां हा, हा. तो मतलब दैट माइंडसेट इज इन इन ग्रेन इन आवर सोसाइटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट या इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट 100% सो 2014 यू ग्रेजुएट फ्रॉम चाइना एंड यू गो स्ट्रेट टू द यूके दो बिल्कुल 2014 में फिर यूके चला गया मैं हम्म वहाँ फिर जाके मैंने यही कंसल्टिंग का शुरू कर दी कंसल्टिंग का काम शुरू कर दिया साउंड लाइक एक गाड़ियों का काम शुरू कर दिया विद विद आई कंपनी कॉल्ड कॉन्फेरी हे ग्रुप जो कि एच आर कंसल्टिंग करती थी फिर एक दो साल उसके साथ रहा तीन साल फिर उसके बाद मिकिंजी ज्वाइन कर ली फिर चार पाँच साल मिकिंजी के साथ गुजारे तीन चार साल और फिर मिकिंजी के अंदर ही फिर देन आई जॉइंड पाकिस्तान इन्वायमेंट ट्रस्ट एक साल पहले अच्छा सो मैकेंजी में बिफोर लीविंग व्हाट वाज योर रोल मैकेंजी के अंदर देयर इज अ रोल कॉल्ड सीनियर एंगेजमेंट मैनेजर का जो इसका बेसिकली यू आर लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू गेट प्रोजेक्ट्स एंड यू रन दोस प्रोजेक्ट्स फॉर क्लाइंट्स एंड इन एडिशन टू दैट यू डू अ लॉट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एज वेल सो यू काइंड ऑफ वर्क विद डिफरेंट कंपनीज ठीक है उन कंपनीज़ के लिए आप प्रपोजल लिखते हो कि हम यार इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट और मेरा फोकस ज्यादातर जो मैकेंजी में था वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर था कि एंड टू एंड किसी कंपनी को अगर जिसके हालात खराब है उसको किस तरह हमने टर्न अराउंड करना है राइट right. मैं ज़्यादातर एडवाइस करता था मेरी आखिरी प्रोजेक्ट्स जो तो थे वो मैं एक वेल्थ फंड को एडवाइस कर रहा था उससे मैंने मैं मडल ईस्ट के अंदर एक हेल्थ मिनिस्ट्री को एडवाइस कर रहा था वो पूरा अपना नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम सेटअप कर रहे थे फिर मैं यूरोप के अंदर यूरोपियन कमीशन को एडवाइस करता रहा डिफरेंट टॉपिक्स पे तो एक टेलीकोबी को भी एडवाइस कर रहा था जो यूरोपियन मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर है तो इस तरह के क्लाइंट्स होते थे मेरे थीव थीव him a and, him. And, and, and this uh, Pakistan Environment Trust, um, I mean, you've got McKinsey on one side and, you know, PET on the other. What led to that decision? Um, that's not an easy decision, right? At the end of the day, if you're on the corporate side, you've done MBA, I'm assuming you're cutthroat like McKinsey. Um, so what led you to decide, okay, maybe this is the pivot I want to take at this point in time? री नाइस वे एक्चुअली लास्ट टाइम किसी को बोला था इसी तरह आप पाकिस्तान क्यों आए ना तो मुझे कॉमेंट आया था क्यों पाकिस्तान आने वालों के तरह बोलते हैं तो मैं ठीक है अच्छी बात है मेरी बीवी ने पूछा पर उसकी टोन बड़ी डिफरेंट है या उसने नाइस तरीके से नहीं पूछा जब मैंने बताया ना यार मतलब ये एक प्रोपोजल आयाद मी बिफोर वी डिसम बट उसका इमीजिएट रिए वेरी डिफरेंट फ्राम दे आर यू आस्किंग द क्वेश्चन बट दूसरा एंगल ये भी है कि पाकिस्तान आना इतना आसान काम नहीं है huh. अब जब बाहर बैठे होते हैं एंड आई एम नॉट फॉर एल्स हैज जर्नी एंड स्टोरी राइट राइट बट टू फाइंड अ वे बैक टू पाकिस्तान इज वेरी 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 डिफिकल्ट

तो आप आओगे कहीं नौकरी शौकरी करोगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी कहीं पे तो अच्छी तखाश कह मिल जाएगी बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर पार्ट ऑफ दैट कल्चर दैट सिस्टम राइट और उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना और लेके लेकिन कल्चर इज द बिगेस्ट थिंग जो सबसे लोगों का इंपैक्ट करता है डिफिकल्ट so मनी आपको फिर भी मिल जाता है बट आप कहते हो कि यार आई एम नॉट और स्पेशली इफ यू लिव लाइक व्हाट 15 13 14 इयर्स अब्रॉड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान राइट सो उसके बाद तो आपके लिए बड़ा छोटे छोटे एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ माई ब्रदर वन एवरी कम्स बैक टू पाकिस्तान तो ही ट्राइज टू वो भी कंप्यूटिंग का बैकग्राउंड है वो आते हैं आगे डिफरेंट लोगों से मीटिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर जो उनके पुराने होते हैं ही गेट सो इफ ही बाई जस्ट द लैक ऑफ पीपल रीचिंग ऑन टाइम यू you नो know, और पाकिस्तान में तो कल्चर ये है कि यार अगर मैंने चार मिनट बोला है तो चार मिनट प्लस माइनस पंद्रह बीस पच्चीस मिनट एंड इट्स इट्स एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द कल्चर एंड एंड सो वो चीज़ आपका पूरा डे थ्रो ऑफ़ करती है वो आपकी प्रोडक्टिविटी थ्रो ऑफ करती है बिकॉज यू आर डिज़ाइंड टू वर्क ऑन द क्लॉक एंड सो वही वाली बात है कि कल्चर आई फील एक्स द बिगर थिंग वट इज द मनी और एनी थिंगल्स मोर टैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दैट इज वेरी स्माल सिम्बॉक थिंग फॉर एक्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो किसी बिल्डिंग में आपने दरवाजा खोला हाँ. आपकी हैबिट होती है यार आप दरवाजा पीछे देखोगे खोल के रखोगे अगर पीछे कोई आ रहा है वी डोंट डू दैट इन पाकिस्तान ठीक है और अगर आप गलती से कर देखेंगे ना तो पीछे वाला ऐसे जाएगा कि हाँ थैंक यू थैंक यू भी नहीं सर बस सर झुका चला यार ये तो मतलब होना ही था इसे दरवाजा खोलना ही था मैं दूसरा ये अगर आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर तो अगर आपने किसी को रास्ता दे दिया है तो को यह, you, you, कोई थैंक यू यू कोई सीन नहीं है हाँ, कॉमन वगैरह नहीं है ब, बड़ी बेसिक सी देता हूँ पाकिस्तान का डिफरेंस ना यूके के अंदर आप लाइट मारते हो किसी को उसका मतलब होता है यार कि तुम अपनी गाड़ी लेके आ जाओ मैं तुम्हें तो रास्ता दे रहा हूँ हम लोग किसी को लाइट मारते हैं तो रास्ता ले रहा हूँ जस्ट शोज द माइंड सेट एंड स्मॉल बट दी थिंग एंड ऑफ मेकिंग योर डे बिकॉज यू फील यारे मतलब आई मैटर इन दिस वर्ल्ड मुझे भी ट्वीट करते हैं अच्छा मैं लोगों को ट्वीट करता हूँ जस्ट क्रिएट्स ए कम्युनिटी जो कि हर एक दूसरे की लिहाज कर रहा होता है बट आई एम श्योर पाकिस्तान के डायनिकतना इतने कॉम्प्लेक्स है मैं uh, एक बंदा जो बेचारा आ रहा है वो दरवाजा खोलने से पहले तो उसके दिमाग दस सौ चीज़ें चल रही होती हैं कि uh, मैंने पेट्रोल किस तरह डलवाना है मैंने वो तो बेचारा दरवाजा दूर की बात हो दर इज अ रीजन बिहाइंड दैट वेल बट इज नॉट ईजी हासन अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं हाउ योर लाइफ इज बिन लाइक teller oh, is always a tough act to follow missed <laughs> out okay he also has a theater background by the way really which he doesn't touch upon <laughs> but i think maybe in another sort of session he might want to delve deeper into that as well Was that, uh, 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 <laughs> Who is that giving who do you work with

यार सो मे, मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हमारे ख़ानदानी इंजीनियर इंजीनियर्स ही पैदा करते आए हैं सो मेरे पर दादा से लेके पर नाना दादा वाल साहब सब अब भाई और जो कजन्स वगैरह हैं सब इंजीनियर्स हैं सो मे पर दादा जो थे जब वो पाकिस्तान आए थे तो ही एक्चुअली वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ वापडा जब तो सेटअप की गई पहला पाकिस्तान का जो हाइड्रो पावर प्लांट लगा तो उसको ही बेसिकली स्टार्टड दैट बेसिकली अगर वो पावर प्लांट ना लगता तो बिजली बंद हो जाती सो so, ये जो मसले हैं ना बिजली के पानी के वो मैं मतलब बचपन सुनता आ रहा हूँ मुझे याद है मैं मेरे ख्याल में मेरी जो पहली मेमोरी है वो ये थी कि आए uh, मेरे दादा जो थे उस वक्त कालाबाग डैम की कोई फिजिबिलिटी की रिपोर्ट उनके पास रखी हुई थी साल था ये दिस लाइक ठीक है और तो तो पर से अब तक हम इसी पे ही रहे है यार आपको कि मेरे दादा मेरे वालिद साहब दोनों डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर चुके हैं कालाबाग के है, ठीक है और वो अभी तक जीफ है नहीं निकला इवन भाषा और ये डैम्स जो हैं जो अब जाके बन रहे हैं जिनकी जो है ना ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल डेट है कम्पलीशन की वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ ये बनेगा कालाबाग आएगा भाषा आएगा एक मुंडा डैम है वो आएगा और हमारे मसले हल हो जाएंगे वो कुछ भी <laughs> तो नहीं हुआ मैं बल्कि जो है ना आगे अगली जनरेशन को देख रहा हूँ तब तो भी जो है हम वेट कर रहे हैं इन चीज़ों का तो खैर मेरे ऊपर तो बचपन से जो था ना वो ये था कि इंजीनियरिंग में जाना है कुछ एनर्जी में करना है वाटर में करना है लेकिन मुझे याद है तकरीबन 2007 हजार की बात है मे बी यू नो नो नोटोर स्टार्टिंग आउट सो आई वाज इन लाहौर ठीक है आई ग्रू अप इन लाहौर स्पेंट ऑल माय स्कूलिंग वी बेस्ड आउट ऑफ लाहौर प्राइमरी बिकॉज वाबडा की वजह से माई दादा मूव टू लाहौर तो हम सभी वहीं रहे माई फादर मूव अराउंड प्रोजेक्ट्स के लिए और वो सब के लिए लेकिन बेस हमडा में थे uh, नहीं वो नेस्पाक में थे सो अनदर गवर्नमेंट एंटिटी सो काफी सारे हमारी फैमिली में सरकारी मुलाजिम रहे और सब के सब इंजीनियर्स और सब के सब जी इंजीनियर्स बिकॉज वो सब कुछ ये देखते आए तो मुझे याद है मेरे ख्याल में तकरीबन 2001 या दो था जब मेरे वाल साहब ने मुझे एडवाइस किया कि बेटा जो कर लो जिंदगी में इंजीनियरिंग ना करना क्योंकि जो है <laughs> कुछ नहीं है हम मतलब पर दादादा से लेके अभी तक हम वही इशूज़ पर बातें कर रहे हैं उन्हीं घरों में रह रहे हैं मतलब वही हमारी जिंदगी है लाइक यू नो मे बी ट्राई एंड मूव ऑन अच्छा और मेरी वालदा की साइड से प्रेशर था कि जनाब आप डॉक्टर बने तो एंड में हुआ ये कि ना तो मैं इंजीनियर बना ना मैं डॉक्टर बना आई एंडेड गोइंग टू आईड्स इकोमिक्स में आई डेबल्ड विद अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट के ग्रेजुएट सो आई इन केम्स और ड्यूरिंग दैट टाइम आई एक्चुअली वर्क ऑन वाटर रिसोर्स के प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट चीज़ों से वाई आई वॉज देयर एंड देन राइट आफ्टर ग्रेजुएशन जो था मैं आई स्टार्ट वर्किंग ऑन यू एस ए आई डी प्रोजेक्ट सो मेरा जो पहला जो एक्सपोजर था वो था अगेन थ्रो द डेवलपमेंट ऑफ एन जी ओ सेक्टर अगेन जो प्रोजेक्ट था रिलेटेड टू ऑफ 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 वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑल दैट दैट आई थिंक विद इन और मंथ्स मंथस मेरे वाले साहब आए उन्होंने कहा यार अगर यही करके तुमने यही काम करना है वापस <laughs> हमारी फील्ड में आना तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं सो एंड हैपनिंग वॉज के उस दौरान अ फ्यू ऑफ फ्रेंड्स जो कि सब uh, इस तरह की नौकरी कर रहे थे उस वक्त आई थिंक वो कोला का कोई वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेस्ट हो रहा था दिस वॉज अगेन ट्वेंटी तो इन्होंने uh, कहा कि दफ्तर से छुट्टी ली जल्दी तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं तो तुम भी चलो मैंने कहा मतलब तो मेरा तो कोई प्लान ही नहीं है आई सेट दैट टेस्ट टेस्ट हो गया क्लियर तीन राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ भी होते गए और अभी तक मैं इसी मोड में था कि मैंने नहीं करना <laughs> ये तो मेरे काम की चीज़ ही नहीं है तो बट सम हाउ सिर्फ आई एंडेड अप गॉट द जॉब होता ये है कि विद इन सिर्फ नाइन टू टेन मंथ्स ऑफ डूइंग दिस आई एम आई नो के ये तो मेरे काम की चीज़ नहीं है मेरे जो है ना वो जो दिमाग में घुसी भी है एनर्जी का और इसका कीड़ा वाटर का वो किसी तरह मैंने फुलफिल करना है डिस्पाइट द द बेस्ट एडवाइस ऑफ माय पेरेंट्स मैंने कहा नहीं इधर ही रहना है मैंने तो करना ही है सो आई अप्लाइड फॉर सॉर्ट ऑफ मास्टर्स डिग्री इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट फ्राम ड्यूक सो गॉट दो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली सो आई वेंट देयर इन वॉट ट्वेंटी Um, you know spent a couple of years there jo hai, sort of i got my full exposure into just moving on beyond the issues of energy environment and actually into sort of ke climate change hai ke, and why is it relevant to us but it's not just about ke climate change hai ke, but then that's where i sort of also got exposure to all these different tools and instruments particularly financing or economics ke perspective okay implementation side, how do we do that what are the impacts on uh, the economic impacts of climate change but how can we mitigate that? तो so, उधर से जनाब फिर यू नो आई इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी के बाद जो मैं मास्टर्स का था आई गॉट एन इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम यूनेप इन जनिवा Which then converted into a consultancy role. So I did that for about eight to nine months uh, with UNEP. Uh, and UNEP is the energy Uni program of The United, United Nations uh, environment, program. environment Program. okay. So where I just got into more in tune into climate finance, all of this sort of financing available globally. If you were to explain climate mm -hmm. financing for an average user, how would you explain it? So I would basically explain climate <laughs> finance is uh, essentially. एनी थिंग जो भी चीज़ जिसके लिए आप अडेप्टशन पर काम कर रहे हैं टू तो क्लाइमेट चेंज एंड अगेन मैं और जारगन यूज़ कर रहा हूँ मगर हम जब बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की रीन्यूबल एनर्जी ट्रांजिशन की जनाब आप फॉसिल फ्यूल और कोल जो कि कार्बनमिशन जिनसे बढ़ती हैं जिन्हें हम डर्टी फ्यूल्स कहते हैं उससे अगर आप मूव करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें सोलर है जिसमें विंड है इसके लिए जो फंडिंग और फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल mm. करना ना है तो ये इसको आप क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं बट बिकॉज देर इज द एस्पेक्ट कि इन प्रोजेक्ट और इन प्रोग्राम्स के थ्रू आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रहे हैंज गॉट इन दिसम क्लाइमेट फाइनेंसेंशली सो दैट इज द लॉन्ग इन शॉर्ट ऑफ इट फाइव राइट इन यू एन ईपी वहां गॉट कनेक्टेड टू बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ कैलिफोर्निया जो उस वक्त काम कर रहे थे दिस वॉज वाई आई स्टिल इन माई मास्टर्स प्रोग्राम बट इट वॉज जो मेरा प्रोग्राम था वो काफ़ी हद तक इंकरेज करता था कि एक्चुअली यू नो आप मूव बी ऑन्ड एक्चुअली यूर एकेडमिक हाउ टू पुट इट प्रैक्टिस इसेंशली सो आई गॉट दिस अपर्चुनिटी विद द गवर्मेंट ऑफ़ कैलिफोर्निया टू वर्क विद इसेंशली कि कैसे जो है हम जो ये क्लाइमेट फाइनेंस की जो टर्म है जो कैलिफोर्निया में जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाह रही हैं मगर कैलिफोर्निया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो इंटरनली उस मार्केट में रह अवेलेबल कर सकें तो हाउ कैन दे ऑल्सो इंसेंटिवाइज अदर कंट्रीज़ जहाँ जरूरत भी ज़्यादा है इनिशिएटिव्स की और वहाँ शायद अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं कि वो hmm. कैसे लिंक अप कर सकें बाकी अदर कंट्रीज़ अदर और अदर कंट्रीज एक्चुअली अच्छा सो कैलिफोर्निया का प्लान ये था कि क्योंकि यू एस इज़ अ वेरी मच अन अ वेरी मच अ फेडरेटेड ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो कि काफ़ी हद तक ऑटोनमस हैं हर है, हाँ. एक तरफ आपका कैलिफोर्निया है जो कि जनाब पूरा जो क्लीन एनर्जी और वेरी मच फोकस टूवर्ड्स इन्वायरमेंट और दूसरी तरफ आपका टेक्सस है जो कि बिल्कुल ही हैविली इंडेक्सड है जनाब ऑयल और फ्रैकिंग की तरफ तो अमेरिका इज जस्ट मनी कंट्रीज इसेंशली एज अपोज टू स्टेट्स अ पोल जो है पोल टू पोल आप मूव करें अमेरिका में तो इज अ दॉट ऑफ डिफरेंस तो कैलिफोर्निया वॉज वन ऑफ दोज रीजन और स्टेट्स इन दू एस विच इज़ वेरी प्रोग्रेसिव इस लिहाज से अपनी पॉलिसीज के लिहाज से तो दे फेल्ट के जनाब हम क्योंकि लीडर हैं यू एस में तो ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि यू एस करें ना करे अपने लेवल पे हम जाएँ जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन में आइडेंटिफाई करें अपरचुनिटीज़ के कैसे अपनी जो uh, जो हमारी नॉलेज है बट ऑल्सो जो हमारे पास फंडस वगैरह अवेलेबल हैं उसके थ्रू हम यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट uh, करें या इंडोनेशिया में करें या चिली में करें इन इन मुल्कों के इन मुल्कों के रीजनस के साथ लिंकअप करें सो फॉर एग्ज़ाम्पल कैलिफोर्निया वॉज लिंकिंग अप विद रीजन इंडोनियक्स कूल स्टोरी अराउंड दैट टाइम इज़ दैट बेसिकली मेरा मैं प्रोजेक्ट जो काम कर रहा था बेसिकली वी वर लिंकिंग अप कैलिफोर्निया टू डोनियक विच इज़ अ रीजन इन यूक्रेन और आजकल वो खबरों में इसलिए आ रहा है क्योंकि <laughs> वहाँ रशिया बेस्ड है तो खैर uh, जब मैं उस वक्त वहाँ था तो वॉट एन एड अप हैपनिंग वॉज के uh, मैं वापस आ गया हम रिपोर्ट्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे थे मेरा जो सुपरवाइजर था कैलिफोर्निया का, में उसने मुझसे पूछा कि यार उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा वन वेन इज़ द नेक्स्ट रिपोर्ट ड्यू तो मैंने कहा मतलब इट वॉज ड्यू अ वीक अगो और यूजली बड़े रिस्पॉन्सिव हैं कुछ आ नहीं रहा ब्लू एंड बोल्ड एक हफ्ते बाद आई थिंक आई टर्न ऑन द टी वी एंड लिटली वी सॉन ट्रैक्स रोलिंग मतलब मेरा पूरा प्रोजेक्ट ही वही था एंड वी वर सपोज टू यूज दैटने उस पर काम भी बहुत किया था वी आर सपोज टू यूज अपर रीजन दैल तो हम एक तो कैनिया के अंदर भी एक रीजन पर फोकस कर रहे थे इसी तरह इंडोनीजिया में भी करना चाह रहे थे मशहूर हो गया

Uh, Russian, not just Russian speak, speaking, but ethnic Russian population in Donetsk. And, they and in so Russia they first got that, built their sort of base exactly. there, and now they're using that. Exactly. To, exactly. Wo, and exactly. I mean none of us really knew about it. <laughs> 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 exactly. Now exactly. We are all exactly. paying for heavy fuel prices, but <laughs> <laughs> basically. <laughs> um, so this is 2014. This is 2014. And uh, so, so what happened after that? So basically um, I continued working with them for another six to seven months. Um, and then Pir Mujat my colleague who was also with me in the university uh, you know us native he had worked for the government as well before but he said uh, you know why don't we start our consulting work together the government or not kaam to but the real work is actually on the front lines So, ye jo related to sort of climate finance why don't we actually take it to the front line you get a high level policies projects तो वो ऑलरेडी काम कर रहा था उस वक्त कैनिया में और तंजानिया में और उसका एक और प्रोजेक्ट आ रहा था चाइना के अंदर जो कि है था बेसिकली हाउस होल्ड लेवल पे जनाब क्लीन कुक स्टोर लगाना बायोगैस डाइजेस्टर्स लगवाना जिसके थ्रू एक्चुअली आप नॉट नॉट ओनली असरफ के जनाब कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं बट दैट वॉज एक्चुअली इंश्योरिंग के लोगों के पास एनर्जी एक्सेस आ जाए यूजिंग लोकल फ्यूल्स एंड लोकली यू नो डिज़ाइन प्रोडक्ट्स तो खैर हमने वी ऑफ वर्किंग ऑन दैट यू नो और शुरुआत तो पहले हमने एक इस्टेबलिश कंपनी के साथ की लेकिन फिर थिंग दैट रियली ओपन माय माइंड वाज एट दैट टाइम आई वाज स्टिल ऑन एसेंशियली स्टिलशली स्टूडेंट वीज़ा के बाद जो आपका होता है ओ um, एंड

हमने जनाब फिर ईस्ट अफ्रीका और चाइना में ये काम शुरू किया सो डिट दैट फॉर अबाउट हाउ टू पुट लाइक मे बी अयर इयर एंड अ हाफ अलॉन्ग साइड और फिर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आई पाकिस्तान में सो एट दैट टाइम जिस हम एक पार्टनर के साथ काम कर रहे थे उसने कहा यार एक्चुअली हम लोग पाकिस्तान में जो है एंड दिस इज़ अ जर्मन फर्म बाय द वे हु इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान ऑन के कहते हैं कि जनाब ये जो बायोमास है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है जिसको आप हम जलाते हैं और ये कैसे वो स्मोक कॉज कर रहा है ब्रीदिंग इश्यूज उसके अलग हैं तो इसको जो जलाया जाता है दिस कैन एक्चुअली बी यूटिलाइज्ड एज फ्यूल राइट एंड ऑन द फ्लिप साइड दैट वाज द टाइम दिस अरा टाइम है ट्वेंटी बेसिकली वेर एक्चुअली फ्यूल प्राइस एट द टाइम हेड क्रॉस हंड्रेड डॉलर अगेन सो ईच एंड एवरी कंपनी व जो थी वो ढूंढ रही थी कि यार कोई सस्ता फ्यूल मिले कोई लोकल फ्यूल मिले सोलर का सबसे बड़ा इशू ये था कि सोलर से आपकी हंड्रेड परसेंट एनर्जी डिमांड्स नहीं पूरी हो सकती हैं ठीक है नो मैटर वॉट यू डू सो यू नीडेड सम बैकअप उसके लिए ज्यादातर जो थे वो या तो इंपोर्टेड कोल पर रिलाई कर रहे थे या फिर तेल पर रिलाय कर रहे थे अगेन प्राइस हाई थी कॉस्ट बढ़ रही थी सो दिस कंपनी दिस जर्मन कंपनी वो ट्राइंग टू बेसिकली यूटिलाइज सोट ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट जो बच जाता है इसमें ये कॉर्न का कॉटन का राइस का उसको प्रोसेस करके एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाए दे वर्बल टू सर्ट ऑफ क्रैक द नट बेसिकली क्लाइंट्स तो मिल गए लेकिन उसको ग्राउंड पे कैसे मैनेज करे देड इंगेज लोकल टीम बट उनसे फिगर आउट नहीं हो पा रहा थाट so कि यार तुम पाकिस्तान में हो यू आर दौनली अदर पाकिस्तानी आई नो <laughs> तो तुम क्यों नहीं कर लेते जाके अब सो एट दैट टाइम माई पार्टनर एंड आई माई पार्टनर वॉज यू नो रियली रेली बाय बाई आइडिया उसने कहा यार इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान तो एग्जन इकोनॉमी है कि मतलब यू नो हम पढ़ते हैं कि जी सिक्सटी परसेंट ऑफ योर इकानोमी इज़ बेस्ड इन दिस तो ये तो ये तो उसको तो गोल्ड गोल्ड नज़र आया मैंने कहा यार वैसे आइडिया तो अच्छा है मतलब आई मीन आई बाय इन टू इट तो मैंने अपने वाले साहब को बताया वाले साहब ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है <laughs> <laughs> मतलब यार अगेन तुम वही गलती कर रहे हो यू गॉट एन आउट ऑफ़ फेयर वापस फिर वहीं आ रहे हो मैंने तुम्हें कितना समझा के भेजा था कि ये डोंट डू दैट सो खैर मतलब हमने कहा अच्छा चलो लेट स्टार्ट विद द फीजिबिलिटी स्टडी फर्स्ट कि हम देखते हैं कि इज़ इट इवन फीजिबल और नॉट तो मेरा जो पार्टनर था उस वक्त यू नो हम पाकिस्तान आए हमने छोटी सी असेसमेंट की सो दैट कंपनी जो कि रन कर रही थी तो वो जो जर्मन सर्व कंपनी थी उन्होंने देवर बेसिकली सेट के यार यू नो पे यू गाइस बेसिकली टू गो आउट एंड यू नो डू अ लिटल बेट ऑफ दिस राइट नाउ तो हमने कहा चलो अभी दो नथिंग टू लूज ए सो वी केम इन टू पाकिस्तान हो गए दिन आप दो तीन महीने गुजरे पता चला जाए जर्मन कंपनी ने कहा कि यू you नो know, पैसे हमारे पास खत्म हो गए तो यू गाइज आर काइंड ऑफ ऑन योर ओन एसेंशली तो बट वी सॉ इनफ टू रियलाइज के यार काम हो सकता है सो वी एंड बेसिकली स्टार्टेड टू ऑफ फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन सो वी हैड अ कपल ऑफ लाइक रियली स्मॉल क्लाइंट्स हमने उससे थोड़ा सा काम शुरू करना शुरू कर दिया इस दौरान हमने फिर पहला काम यह किया कि यार लेट्स एक्सपेंडिंग आर क्लाइंट बेस पहले यू you नो know, दो इशूज थे एक तरफ तो आपके सप्लाई पर थे कि आप फार्मर्स को और लैंड ओनर्स को कैसे कन्विंस करें कि वो आपको वेस्ट प्रोडक्ट दें और दूसरे एंड पे फिर मतलब उस चीज़ को आप कन्विंस करने की यू नीड मोर क्लाइंट्स राइट यू नीड पीपल टू साइन ऑन टू इट ताकि इसको एक इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट बनाया जा सके वरना तो यू नो ग्रांट्स वगैरह तो सस्टेनेबल होती ही नहीं है सो so, हम फिर गए जनाब डिफरेंट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में जाना शुरू हो गए तो अब जो मेरा पार्टनर था वो तो यू एस बेस था यू you नो know, वो गोरा था बेसिकली तो वो आया था, था हफ्ते दो हफ़्ते के लिए तो पहले हफ्ते दो हफ़्ते करके चला गया फिर ही सेट के यार लेट्स यू नो वंस वी स्टार्ट स्पीकिंग टू दिस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तो उस दौरान हम जनाब ये ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मे एसोसिएशन के पास भी गए गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी गए सो रोम्बर में जब पहली मीटिंग गई गुजरावाला चम्बर्स ऑफ कॉमर्स तो पहले तो लाइफ यू सेट अर्ली है ना वक्त की पाबंदी के मैं जो नौ बजे का टाइम दिया वो साढ़े दस बजे दो तीन लोग जमा हुए और फिर मैंने देखा कि टेबल पे हरीसा भी है निहारी भी है मतलब डिफरेंट तरह के खाने रखे हुए हैं उन्होंने तो कहा यार पहले खाने पे फोकस कर लेते हैं फिर मीटिंग करेंगे तो बारह बजे तक जब हम सब थक गए और नींदें आ रही थी उन्होंने कहा चलो अब मीटिंग करते हैं सो so, मीटिंग में कोई मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं था ठीक है लिटली जो आदमी मुझे लेके गया था उसने मुझे थोड़ी देर बाद कहा कि यार देखो दाल तो कोई गले नहीं वाली यहाँ तो इसको मतलब You know, मुकरूग। मुकरूग। हाँ। तो फिर मैं बातों बातों में कहा बताया कि यार वो मैं एक्चुअली पार्टनर ने आना है और वो तो वो उसने पूछा वो गोरा मैंने कहा हाँ क्या यार पहले बताना था ना <laughs> मसला ही खत्म हो गया अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या है अच्छा उसके बाद सो एंड दिस इज बाय द वे एट दिस पॉइंट हम अपना मतलब अपने रिसोर्सेज लगा रहे थे ठीक है right. तो जो भी सेविंग्स थी मतलब मेरा तो इतना मसला नहीं था कि मैं चलो पाकिस्तान आके बैठ गया थोड़े दिनों के लिए फिर देन आई वुड गो बैक एज वेल बट यू नोट माय पार्टनर वुड कम इन तो तो फिर खर्चे होते थे uh. तो मैं नर्वस के यार यू नो दिस हैजू चेंबर के साथ मीटिंग तो हो गई है लेकिन अगर उस तरह का रिस्पॉस हुआ कि उन्होंने बस खाने शाने खिलाए और चले गए तो बड़ा मसला हो जाएगा तो खैर आई हैव नो क्लू कि वॉट टू हैपन मैं बहुत नर्वस हूँ हम लोग उनको एयरपोर्ट से लिया अगले दिन हम सुबह जनाब गुजरा वाला मीटिंग है गुजरा वाला लेके जा रहे हैं रास्ते में सोच रहा हूँ पता नहीं क्या होगा हैव नो क्लू जनाब हम चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के एंटर करते हैं तो जो उसके जो गेट्स हैं उनके ऊपर बलून्स लगे हुए हैं ठीक है एंड देर इज अ बैनर वेलकम टू पाकिस्तान मिस्टर बिल्डिंग के फ्रंट पे खड़े हुए हैं जो चेम्बर के चेयरमैन वगैरह वाला इज इंडस्ट्रियल राइट चेंबर के चेयरमैन बोर्ड के मेम्बर्स वो खड़े हुए हैं मतलब दे आर लाइक उम्र रसीधा लोग हैं वो और वो जनाब किसी के लिए नहीं उठते वो खड़े हुए हैं जनाब बैनर लेके गुलदस्ते लेके तस्वीर तो खिलाने के लिए रेडी हैं सही है और मतलब आई एम लाइक स्टैंडिंग टू दाइड ये तो है ना ये तो है ही है अच्छा अब होती है उसके बाद जनाब हम अंदर जाते हैं तो प्रेजेंटेशन का टाइम आता है अब वो जो मेरा पार्टनर है वो एंड्रू और एक और हमारे साथ था वो भी गोरा था अगेन तो उन्होंने कहा कि यार हम शुरुआत करते हैं देन यू यू जम्पिन और हमने एक पूरा स्ट्रक्चर कर गए थे पाँच मिनट अभी लिटरली दो या तीन स्लाइड्स हुई थी तो वो एक और मेरे पास बंदा है वो कहता है कि सर वो उर्दू में कर दें वो समझ किसी को नहीं आ रहा तो मैंने पूरी जो है ना वो दोबारा उर्दू में की मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आया मीटिंग होती है सबको शील्ड्स मिलती हैं जनाब हम खाने पे जाते हैं तो वहाँ भी चाइनीज़ खाना आता है लिटरली एंड देन खाने के बाद वो सब आके मुझे कहते हैं कि जनाब इसके बाद हम प्रॉपर खाना खाने चलते हैं अलग वो अलग हो जाएगा खैर मीटिंग शूटिंग हो जाती है एंड देन द नेक्स्ट डे मुझे जो है ना वहाँ से वो एक आती हैं न्यूज़ क्लिपिंग्स जो उन्हें उन्हें प्रेस स्टडीज़ निकलवानी है और प्रेस रिलीज विटरली माहिर तो अमरीकी साइंसदान माहिर तोानाई मिस्टर <laughs> एंड्रू जॉइनर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें कूड़े से बिजली बनाने के मुफीद तरीके बताए जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को गुजरा न सिर्फ गुजरावा बल्कि पाकिस्तान को माला माल कर सकते हैं <laughs> अच्छा बाय द वे ऑल थ्रू आउट दिस टाइम एंड्रू जो है ही वाज बीइंग रेफर्ड टू हिज एक्सीलेंसी थ्रू आउट लाइक इवन फेस टू फेस पे यस यस हिज एक्सीलेंसी वेलकम हिज एक्सीलेंसी प्लीज सिट हिज एक्सीलेंसी प्लीज ईट हिज एक्सीलेंसी प्लीज ड्रिंक तो वो जनाब वो उसके बाद हमारी मीटिंग मीटिंग हो गई हम रात हो गए वो अपनी माँ को फोन करके कह रहे हैं यार मैं नहीं वापस आ रहा

लिटरली काफ़ गॉड एक्सेस टू कोहनूर का सीई होटरली किया मीटिंग अपने घर बुला केिनर एंड हम ये करते हैं जा रहे हैं <laughs> like जनाब <laughs> मतलब लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम बाकी कोई मार रहे थे

डिफिकल्ट नाट टू क्रैक वॉज कि ये जो मतलब पार्ट है अंग्रेज़ वाला ये उधर तो चल जाता है कि क्लाइंट साइड पर जो ना टेक्सटाइल और आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है परचुअली स्टार्ट गोइंग टू नीन क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज एक्चुअली कि आपने कलेक्ट कैसे करना है इकट्ठा कैसे करना है बायोमैस मेन हाँ, I mean, जो आपके फार्मर्स हैं वो यू you नो know, डेकेड से एक सर्टन प्रैक्टिस करते आए हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज देयर प्रैक्टिस टू सर्टन पॉइंट राइट आप बेशक आप उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी दिखा दो कि यार इससे इतना एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ आपकी इनकम में इजाफा होगा yeah. आपकी सॉयल क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी ब्ला बला बला बट अनटिल दे सी वन फार्मर डूइंग इट नो वन इज गोइंग टू डू इट राइट आप जो मर्जी ले आओ यू कैन ब्रिंग द मशीन्स टू देयर डोर स्टेप एज वेल बट जब तक वो आप फार्मर को नहीं कन्विंस करोगे एक फार्मर को नहीं कन्विंस करोगे किसी फार्मर को नहीं कन्विंस कर सकते सो यू नो वी कॉन्सटेंटली फेस दैट चैलेंज थ्रू आउट क्योंकि हम initially एक ऑफ लर्निंग डूइंग लाइक बायो टेक्नोलॉजी सो फॉर अस पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी चीज जो हमें प्रेजेंट हो रही थी प्रोसेस को बेहतर करते हो सो एक्चुअली वी वर एबल टू यू नो कलेक्ट इन इतने फार्मर्स को हमने इकट्ठा कर लिया तकर ऑन लास्ट काउंट अराउंड सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव फार्मर्स थे जी farmers. उनकी हम मतलब सप्लाई चेन रन कर रहे थे wow. उनसे बायोमैस कलेक्ट कर रहे थे और हमारा सिस्टम काफ़ी स्ट्रीम हो गया था क्योंकि हम बजाये कि एक रीजन या एक टाइप ऑफ क्रॉप पर डिपेंडेंट रहते हमने चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट पे आ गए थे यू नो वी हैड काइंड ऑफ क्रैक्टेड एंड एट दैटा किरा टाइम मतलब इतने रेवन्यूज आ रहे थे कि अपनी जेब से, से, से कुछ नहीं आ रहा था ठीक है ये नहीं था कि मतलब यू you नो know, हम यही बात करते थे कि बी एम डब्ल्यू का <laughs> <laughs> वो खैर अभी भी नहीं आई लेकिन क्या कहते हैं इतना था कि हम यू you नो know, इसको आगे चला सकें सो एट देट टाइम हम पे हमने फिर थोड़ा सा दिमाग में ये आया कि यार एवरी विद के लाइक लेट्स एक्सपैंड बियॉन्ड दिस राइट सो हुआ ये कि उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो थी दैट वॉज यू नो रियली इन टू इन दिस वर्स ट्वेंटी सेवनटीन ट्वेंटी एटीन का टाइम कि वो जनाब एक अपना प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे थे ऑन एग्रीकल्चर वेस्ट वो अपना प्लांट लगा रहे थे एंड दे नीडेड अ सप्लायर बेसिकली एंड हमने अपना केस प्रजेंट किया काइंड ऑफ यू नो बिल्ड द केस के यार हम ऑलरेडी करते भी आ रहे हैं हमारे पास इतने फार्मर्स हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है एंड वी थिंक वी कैन डिलेवर सो सप्लाई देश हमारा प्योर काम यह था कि लिटरली आपने सप्लाई चेन को कैसे स्ट्रक्चर करना है सप्लाई चेन को मतलब रिलाईबल uh, कैसे बनाना है कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना है बिकॉज कॉम्पिटिशन आपका किससे था कॉम्पटिशन आपका कोयले से था कॉम्पटिशन आपका तेल से था um. अगर किसी बंदे को तेल चाहिए किसी बंदे कोयला चाहिए लिटरली पिक अप द फोन एंड बेसिकली गेट इट ठीक है डिलीवर टू हिज डोर स्टेप विद बायो मैस दैट वॉज नॉट द केस राइट आपको लिटरली अगर एक अगर आप कल बायो मैस पे एग्रीकल्चर वेस्ट पर प्लांट लगाते हो तो आपको दस हज़ार लोगों से बात करनी पड़ेगी हाँ uh. और दस हज़ार लोगों से आपको हर साल बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो इस साल शायद दे दे अगले साल ना दे और अगले साल आपको दस हज़ार और नए लोग लाने पड़ जाएँ तो That was what we were sort of trying to figure out ki hum from like an agricultural commodity, how can we sort of transform it into fuel, basically, like any other fuel. Uh, and what sort of fuel uh, ends up uh, being created? So some sort of a gas? सो बेसिकली टू फोल्ड उसमें होता है सो जनरली पंजाब में जो एटलीस्ट द काइंड ऑफ कंज्यूमर्स वी आर टारगेटिंग वो आर बेसिकली बॉयलर ऑपरेटर सो इन ऑल ऑफ यूर लॉट ऑफ योर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन राइट फ्राम डेरी प्रोसेसिंग टू टेक्सटाइल स्टीम और हीटिंग इज अ की कंपोनेंट राइट उसके लिए जो हैं वो बॉयलर्स लगते हैं जिसमें है. आप लिटरली इट्स जस्ट प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन आप बर्न करते हो हीट प्रोड्यूस होती है हीट से स्टीम होती है एंड स्टीम एवेंचुअली गोज़ इन टू द साइकल सो वहाँ जो इस्तेमाल होते थे वो या तो मतलब कोयल कोल इस्तेमाल होता था उसमें से कुछ इंपोर्टेड भी था कुछ लोकल था विच इज़ वेरी लो क्वालिटी इस वजह से उसकी जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत हाई है और कुछ आपका अफ़गानिस्तान से जो स्मगल्ड कोल भी आ रहा था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लोगों को जो मर्जी कूड़ा मिलता था टायर हो गए वॉट एवर दे फाउंड लाइक लिटरली बर्न करो mm. तो वो लाहौर के अराउंड उसका काफ़ी इम्पैक्ट था बहुत बुरा इम्पैक्ट था तो लाहौर के अराउंड जब ये बैन लगा ना इन चीज़ों पर और थोड़ी सी मॉनिटरिंग शुरू हुई तो उससे काफ़ी एयर क्वालिटी पर इम्पैक्ट आया था राइट right. uh, मगर फाइनेंशली uh, भी वो एक बड़ा इशू था क्योंकि आप जब रिलाय कर रहे हो कोल की प्राइस पे तो यू आर गेटिंग इन इम्पोर्टेंट सो बेसिकली 2015 में जो थी uh, एक यूनिट जो था स्टीम का दैट यू यूर सर्फ जनरेटिंग वुड कॉस्ट यू चार हजार दो सौ रुपये एंड एक यूनिट ऑफ बायोमैस इफ डन रिलायबली यू कुड गेट इट फॉर ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज सच प्राइज डिफरेंस एंड देन देर वॉज वॉलिटिलिटी इज वेल या आज चार हजार दो सौ है कल कम भी जा सकता है मजीद बढ़ भी सकता है शॉर्टेज भी हो सकती है यू कॉन्ट रियली सो दैट्स वाई फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट द बॉटम लाइन वॉज के यार मुझे रिलायबली मिल रहा है और मुझे प्राइस पर ठीक मिल रहा है एंड what happened with us was that we got into this sort of uh, process of like you know government Kjo supply contract. we basically put our all all our eggs into that basket KR let's put all our energies whatever funding we are raising to cater to that particular contract so we had the contract signed I would say early 2018 like somewhere around like April February or March. एंड हमने उसकी बेस पे फंडिंग भी रेज कर ली थी हमने एक्चुअली सुरुफी पोट एंड लॉड टू बिल्डिंग कपैसिटी लोकल लोग भी हायर किए ताकि जो ग्राउंड वर्क है वो ले करें एंड बेसिकली ट्वेंटी एटीन की अप्रैल में देर वॉज अ नैब केस दैट हैपन पंजाब के अंदर जिसके अंदर बिकॉज दिस वॉज अ गवर्नमेंट रन एंटिटी सो दिस वॉज असेंशली वन ऑफ दो फिफ्टी सिक्स कंपनीज जिसका आपने किस्सा सुना होगा कि जनाब वो छप्पन कंपनियां जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी जिस पर ah. गवर्नमेंट का केस बना और कंपनियाँ बंद हो गई So this was one of those companies right that oh. got shut down and our problem was our contract was technically government was private company, ke tha, which was government owned so it was not a sovereign sovereign ah, guaranteed guaranteed contract thing. right ah. so the contract became null and void and essentially hmm. I mean, we got sort of called up uh, maybe calling or -jawab from sort of you know on, on that case from NAB as well. एंडेड अप हु, हुआ तो कुछ नहीं उससे हमें इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ा बट वैपनिंग हम मतलब कम्प्लीटली लाइक ऑल ऑफ अर काइंड ऑफर्ड स्टर्ड कि यार ये हमारे फंड भी चले गए लॉस टूट मनी वी स्पेंड द पास एन मंथ जस्ट फोकसिंग ऑन दिस के यार इसको किसी तरह डिलीवर करना है एंड हाउ गो दिस अब तो कुछ नहीं हो सकता सो बेसिकली एंड ऑफ ट्वेंटी एटीन ऑनवर्ड्स वॉज वैन कंप्लीटली डीमोटिवेट हो गए थे वी काइंड ऑफ और उस वक्त तक जो थी कमोडीज प्राइसिस भी जा चुकी थीं तो जो हमारे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस पर भी हमें प्रेशर पड़ा हुआ था क्योंकि वी वर बेडली यू नो ब्रेकिंग इवन वी वर एबल टूड ऑफ मेक एनी रिटर्न फ्राम देट हमने सब ने कुछ ना कुछ साइड पर कंसल्टिंग या कुछ काम शुरू किया कि यू नो वीव टू सोड फिगर अवट So around about like that time, I think middle of 2019 was when you know I decided to sort of call it a day, mm. um, and I basically parted ways from the organization. Um, I think that was one of the toughest decision I ever took. I think, and I sometimes look back, and I think I stayed about a year too long in that. But you know, जब so time like होता है और फिर आप कॉन्सटेंटली सुन भी रहे होते हो फ्रॉम पीपल अराउंड यू कि यार ये क्या कर रहे हो किधर अपनी टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम्हारे साथ के लोग कहाँ निकाल गए हैं वो क्या कर रहे हैं एंड यूर लाइक स्टिल वेस्ट इकट्ठा करने पे लगे हुए हो और कोई रिटर्न भी नहीं आ रहा कोई रिकग्निशन भी नहीं है देन यू नो सर्ट ऑफ काइंड ऑफ वो आर यू डूइंग सो सो दैट वॉज अ बेसिकली टाइम ऑफ अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग सो ये दो वाला जो टाइम है तो दो का मडल से ले तकरीबन दो के, के मिडल तक आई काइंडबल्ड हेयर इन दर मैं वापस डेवेलपमेंट सेक्टर में आ गया देर वॉज माई फर्स्ट एक्चुअल एक्सपोजर इन टू लाइक इस्लामाबाद सो आई मूव टू इस्लामाबाद एंड ऑफ लाइक ट्वेंटी एंड एंड कोविड तो वापस और मतलब मसाइल शुरू हो गए कि यार अब क्या होगा And at that point, like I think that is when sort of PET reached out, um, and PET was still. It's, this is like middle of twenty twenty, right? Like right? PET reached out, and I was like, where has this organization been? I wish is ki company koi kaam four <laughs> or five years back. Then either I would have worked for them or I would have taken my project to them. So so yeah, I mean so that's kind of how I ended up at, uh, at PET. PET. Yeah, makes sense. Um, both of you can decide who is going to take But just let me know a little bit about what PET is, uh, because now both point us have reached that point. Both of us not joined PET. Um, but what is PET, and uh, uh, its si sort of history? What, is it, what, is, what does it do? How was it formed? Sure. So uh, I'll dabble a bit into the origin story, which is quite interesting. And its main character is a beaver. So you, mean, you will ask, like, beaver, why? "Why a beaver? Like, what does it have to do?" सो द बैकग्राउंड बिहैंडट इज दैट के एक्चुअली बीवर जो था वो तकरीबन चार सौ साल पहले इट गॉट एक्सटिंकट इन दू के एंड इट वॉज री इंट्रोड्यूसड इन टू मतलब एज अ इंडेंजर्ड स्पीशीज हो चुकी थी इट वज री इंट्रोड्यूस्ड बैक इन टू द यू के अबाउट सिक्स और सेवन ईयर अगो और विद इन जैसे ही वो इंट्रोड्यूस री इंट्रोड्यूस कराया गया तो इट रिजल्टेड इन के जनाब वहाँ जो फ्लडिंग थी रिड्यूसड बाई सिक्सटी परसेंट इन दो एरियाज एंड सिमिलरली एरियाज पानी की जो दस्तियाबी थी वो कम हो चुकी थी वहाँ एक्चुअली पानी अवेलेबल होना शुरू हो गया सो अलॉट ऑफ क्रॉपिंग एग्रीकल्चर री इमर्स बिकॉज ऑफ इट्स सो इट प्लेड दिस रियली सेंट्रल कैरेक्टर इन द रीजनरेशन ऑफ यू नो द इको सिस्टम जो है वो सेंट्रल यू के अंदर सो वेन वैन यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज इन ऑफ दीज इशू इज आर वेरी रेलिवेंट इशूज टू पाकिस्तान and one of our founders ben goldsmith was a key part of this drive in the uk and he also is someone who has sort of you know uh, central you know very uh, deep connections with pakistan so he sort of engaged with a couple of his uh, you know uh, friends from pakistan who also happen to be our founders Ke, you know if दिस इज़ सम दैट कैन हैव सच ए मैसेब इम्पैक्ट इन द यू के जहाँ ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है और पाकिस्तान जहाँ फ्लडिंग एक तरफ फ्लडिंग और एक तरफ ड्राउट और लो एग्रीकल्चर रील्स बहुत इशू है एड कैन वी थर्ड ऑफ डू समथिंग सिमिलर इन पाकिस्तान डज द बीवर इवन एग्जिट इन पाकिस्तान राइट तो यू नो दिसक्रैबल्ड अराउंड यू नो आस्ट अराउंड तो पता ही चला कि भाई बीवर तो पाकिस्तान में एग्जिट ही नहीं करता ना कोई इसका हैबिट है बट व्हाट दे रियली ग्रैपड वे वॉट दे वोट ट्राई टू गेट एट वॉज कि अगर हम इस किस्म की कोई चीज पाकिस्तान में करना चाहते हैं ट जस्ट अडेप्टर मेटिगेट क्लाइमेट चेंज बट एक्चुअली यू नो डू इट अक्रॉस सेक्टर्स टू वे डू वी गो टू मतलब पाकिस्तान में आपको वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे साइंटिस्ट भी मौजूद हैं क्लाइमेट साइंटिस्ट भी हैं वाटर के ऊपर भी लोग मौजूद हैं um, इसी तरह यू नो यू विल भी एबल टू फाइंड ऑर्गनाइजेशन दट आर ग्रोइंग रियली गुड वर्क एट द ग्रासव इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स But how do we make all of this sustainable? How do we convene all of these stakeholders into one area? But then mm. most of the projects or programs are in Pakistan grants and this is not really sustainable. Mm. How can we make all of this sustainable? What is that organization? What is that gap? What is that sort of group that can not only convene all of these experts, but then also develop the strategy, design the plans around it, and eventually make this sustainable in a financial way? ये ना हो कि कल के ऑर्गेनाइजेशन अगर हट जाती है या फंडिंग बंद हो जाती है इन फॉर्म ऑफ ग्रांट ये बंद हो जाएंगे बिकॉज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस बीवर इनिशिएटिव इन द यूके वाज दैट इट एक्चुअली वॉज फाइनेंशली सेल्फ सस्टेनिंग इट क्रिएटेड जॉब्स इट वॉट फंडिंग फ्राम प्राइवेट इन्वेस्टर्स इज वेल सो इट वॉज अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोग्राम सो हाउ कैन वी डू दैट एंड दैट इज वेयर दे काइंड ऑफ सर्ट ऑफ इंगेज मिकिंजी to really do the grunt work, to design the strategy, to really probe into if agar seo organization exists, karti hai, uh, nahi karti to nahi karti and what can we do to sort of address this gap. And that is where McKinsey comes in and I I think uh, who better to <laughs> go to than uh, you our know, ex McKinsey consultant Talha. And if I just build on what Hasan is saying right, I mean us time pe, uh, the, the other interesting part of the story is the connection between the dots right, like there's a guy who's sitting in UK who thinks about beaver and then he connects with a bunch of Pakistani do or those people they're very sort of I're not talking about people who are sort of tree huggers or anything like that right they're people who think everything from an economic perspective right so hedge fund ke managers and investment bankers and think people like that so they obviously naturally when they looked at this problem as, as Hassan was phrasing it uh, unke mein immediately economic angle huh. jaye ताकि क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व हो और उसकी इकोनॉमिक्स भी लाइन अप हो उसके साथ hmm. और इनका डिस्कनेक्ट ना रहे और उसी पॉइंट में उन्होंने मैकेंजी को इंगेज किया यार कि हमें मतलब आके यू नो टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ डू वी एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक हम कर क्या सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके इकोनॉमिकली पाकिस्तान में तो मैकेंजी का उस टाइम एक एक था इज अ गुड फ्रेंड नाउ नाउन वन ऑफ द फाउंडर्स एज वेल हु हैड बिकम अ जूनियर पार्टनर इन मैकेंजी तो वो जूनियर पार्टनर बनने के बाद मतलब uh, उसने उसका थोड़ा टाइम था उस टाइम पे तो उसने कहा कि मैं फ्री में ना आई एंगेज द टीम एंड आई डू अ प्रोजेक्ट फॉर फोकस ऑन दिस ऑन प्रोबोनो बेसिस तो उसने एक एनालिस्ट पकड़ा एंड ब्रिटिश पाकिस्तानी पाकिस्तान एंड आई मीन एन एट वीक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड मल्टीपल इन्सार्ज दैट केम आउट फ्रॉम दैट बट एक इंसर्ट उसमें से ये निकल के आई है यार कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्जैक्टली वो टू वट हसन वसै के यार इन लोगों को कन्वीन कर सके इकट्ठा कर सके एक, एक जरगा बुला सके सब का और इसको एज अ प्रोग्राम रन कर सके पाकिस्तान में चीज़ों को और एक तो ये कर सके दूसरा ये कि उनके पास वो केबिलिटी भी हो हुँ. कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्यूनिटी से इंगेज कर सकें ऑन अ वन टू वन बेसिस एंड दें देर ऑल्सो एबल टू डिलीवर एंड टेंजबली डिप्लॉय द काइंड ऑफ मनी दे एन वे जो पैसा वो रेस करेंगे उस जरिए के थ्रू डिप्लॉय करें प्रोग्राम्स पर उसको ट्रांसपेरली शो भी करें बेसिकली फू लुक एड डिफरेंट एंगल्स ये सारी चीजें पाकिस्तान में कमी ऑर्गनाइजेशन में इकट्ठी या यू आपको नजर आई है कम जो कम्युनिटी लेवल पर काम कर रही होगी वो टिपिकली डेवलपमेंट सेक्टर की होगी विद डेवलपमेंट सेक्टर वाला नेरेटिव राइट या आपको नजर आएंगे फाइनेंशियल इंस्टूट्स जो बेसिकली एंगेज करेंगे ग्लोबली फाइनेंशियल कम्यूनिटी से And there's always a disconnect between the two entities, right? their language is different. It is financial investment. They are working. They are always talking about returns. Ki baat karenge. Development wale impact ki baat karenge are always talking about impact. And on that, they So that is where you need an entity that can play that middle role, right? And build that. And then these guys, uh, usme Ben, jiska namnia is Hasan, who is Farooq Khan, who is the CEO of Pakistan Stock Exchange, Ishaad Adam, who was there at the WBL board meeting, they were involved. Huye. Mm -hmm. Then the McKinsey Junior partner, he left McKinsey later on and set up his own startup in the u k. safamid, he became our founder. Then we got Dr. Shamshad Akhtar on board as well as one of our uh, board members. Then we had sponsors like Mo Sheikha, for example, as one of our sponsors. So people like that who were all right. sort of you know who are all working in that sort of economic domain, entrepreneurial on a financial with a financial focus, they came on board and journeyed behind p d. और उसके बाद फिर ये जो एनालिस्ट था इसको uh, इसने तो अपना स्वाव समझ के काम किया मगर फिर पाकिस्तान में बिठा दिया अब जो है ना नाउ यू गो ऑफ स्पेंड अ फ्यू मंथ्स इन पाकिस्तान बटन कोविड केम तो ही हैड टू गो बैक टू द यू के बट दैन द टीम आई मीन हायर्ड हसन Uh, and then he hired one of our uh, another employee as well and she she's currently based in lahore in dono ko hire kiya and then they started planning the programs kya chha ban gaye hain to wo platforms kya honge jin pe humne kaam karna hai theek hai and the idea was to take take up those problems that are extremely complex to solve तो अगर मैं आज पाकिस्तान environment उसके DNA एन ए की बात करूँ आज जब हम लोग तीन लोगों की टीम थी आज से साल पहले ना हो हम बारह लोगों की टीम हो गए हमारा अगर कोर डी एन ए देखा जाए तो वो कोर डी एन ए इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम लाइक वेअर ऑल जस्ट प्रॉब्लम सोल्वर एट द एंड ऑफ इट दैट इस वन वे टू डिफाइन ऑल ऑफ दस राइट हम लोग uh, का जब पी ई टी स्टैब्लिश हुई तो आइडिया ये था कि सबसे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है पाकिस्तान में क्लाइमेट को लेकर उसको उठाया जाए कोई और उस टाइम पर काम नहीं कर रहा उस प्रॉब्लम पर उसके अराउंड सोल्यूशंस डिफाइन किए जाए और प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किए जाए सो इस आइडिया को लेकर फिर पी ई टी चलना शुरू हुई हमने तीन प्लेटफॉर्म्स डिफाइन किए पी आई मीन एसेंशियली में बिफोर एक्चुअली मैं टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म देर देर एसेंशियली पी ई का जो बनाने के बाद हम प्लेटफॉर्म डिफाइन कर रहे थे तो हमने एक तो अपना नॉल स्टार डिफाइन किया यार कि हमारा मकसद है क्या एज एन एंटिटी हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं दुनिया के अंदर और आई थिंक दे व प्रमेरली हमारा मकसद ये था यार कि हमने जो इम्पैक्ट ड्राइवर्स पर फोकस करना है वो बड़े टेंजबल होने चाहिए हमारा एक इम्पैक्ट ड्राइवर है कि हम पाकिस्तान में एटलीस्ट टेन परसेंट मिशन जो हैं वो अगले तीन से पाँच साल में कम करना चाहते हैं हमारी इस टाइम चार आई थिंक 480 सौ अस्सी मिलियन चार सौ अस्सी के अराउंड मिलियन टन के अराउंड हमारी मशीन हैं जो कि ग्रो कर रही हैं इनको हम दैन टेन परसेंट काम करना चाहते हैं अगले तीन से पाँच साल के अंदर दूसरा ड्राइवर ये है कि हमारी जो तो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे एटलीस्ट टेन परसेंट पॉपुलेशन जो है इम्पैक्ट हो रही है पाकिस्तान की और तीसरा एरिया ये कि हम पाकिस्तान में टेन परसेंट जो लैंड है उसको फॉरेस्टेशन पर लेना चाहते हैं जो लैंड साइड उस पर फॉरस्टेशन या डीफॉरस्टेशन को अवॉइड करेंट वी हैव टू हैव सेटअप जिसके अंदर हम लोग फाइनेस भी मोबिलाइज करें हमारा एम्बिशन है कि अगले तीन से पाँच साल में एक बिलियन डॉलर्स मोबिलाइज करें टू डिकार्बनाइज द कंट्री वी सेटअप एन इंस्टीट्यूट दै कैन डू दैट एज वेल सो ये नॉर्थ स्टार एक तो डिफाइन किया हमने फिर हमने ओवरऑल एंटीटी के दो फंडामेंटल पिलर्स डिफाइन किए एक तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्टेबलिश किया जाए कि जो सस्टेनेबल हो एज हसन वग इन द लॉन्ग रन इन द एब्सेंस ऑफ द पीपल हु फाउंडेड दर्गनाइजेशन और दस वो रनिंग एंड नाउ दैट ऑर्गेइजेशन और इंस्टीट्यूट ये सर्वाइव करें लंबे अरसे के लिए और दूसरा ये कि ये इंस्टीट्यूट का नेचर हो एक इनक्यूबेशन प्रोग्राम की ये ना हो कि हमने तीन प्रोग्राम पकड़े और अगले पचास साल हमने उन्हीं प्रोग्राम्स पर लगा दिए हमने जो प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं उन प्लेटफॉर्म्स को बना के उनको मेच्योर करें और मेच्योर करके उनको हम निकालें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ताकि वो अलग एंटिटीज़ खड़ी हो जाएं या फिर हम नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें राइट right. तो ये दो चीज़ें थी जो 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 आइडिया था कोर बिहाइंड पीटी तीन एरियाज हैं मेड एक है नेट जीरो पाकिस्तान का प्रोग्राम जिसके ऊपर हम लोग कन्वीन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को पाकिस्तान में टू मेक दैट नेट ज़ीरो कमिटमेंट ठीक है uh, नेट जीरो की कमिटमेंट एक सिंपल लाइन में अगर मैं समझा दूँ ऑडियंस के लिए वो ये चीज कि ग्लोबली जो है दुनिया का इंक्रीज हो रहा है हुँ. दुनिया के अंदर बेशुमार कंपनीज इस टाइम में खाल में दो हज़ार से ज्यादा कंपनीज और दो सौ से ज्यादा सिटीज़ जो हैं वो कमिट कर चुकी हैं इस पर कि वो अपनी इमिशन को कम करेंगी और उसको कम करने के लिए नेट ज़ीरो का गोल डिफाइन किया गया कि हम जो है दो हज़ार पचास तक अपनी इमेशन्स को कम करके नीचे लेके आएंगे जो बेस लाइन है वो उस टाइम के जो तो प्री इंडस्ट्रियल एज की है अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ so, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लेट्स एस यूम दर इज अ कंपनी कॉल्ड कामरान टेक्सटाइल दुनिया के सबसे बड़े मोजे के मैन्युफैक्चरर और वो, <laughs> <laughs> तो वो समझ गया बट लेट्स गो साहब एंड वो जो है वो आ, कहती है कि यार मैं जीरो एमिशन हूँ और मेरी जितनी एनर्जी जितनी सिलाई की मशीनें लग रही हैं और मेरी स्पिनिंग मशीन हैं और वो सारा कुछ है वो जीरो एमेशन है

और उस कॉस्ट में हर दो साल बाद आपको बैटरी लगानी पड़ती थी और एक्चुअली आपको जितना वाडा में पे करना था उससे ज़्यादा पे करना पड़ता था एंड बॉटम लाइन उसके यही होती थी कि यार मेरी तो जिंदगी में मुझे डेढ़ रुपये का फायदा नहीं लगे सर कितना अच्छा लगेगा देखिए आपके घर पर होगा अब जाकर सोलर का नेट मीटरिंग के थ्रू आपके पास एक ऐसा इकोनॉमिक आई कि चार्ज लाइक अब मैं इस एनवायरनमेंट में मैं भी सोच रहा हूँ कि यार सोलर लगाऊँ चार साल बाद फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूँ तो फ्रॉम अ नाइस टू हैव टू ए एंड बज़नेस मैन आपको पता है वो तो सोचता है इस तरह है। वो तो कहता है यार वो नंबरिंग करता है और कहता है पैसा बच रहा है ठीक है नहीं बच रहा तो टाइम नज़ारा करो आगे जाओ सो वाई वुड कामर साहब डू दैट लाइक उनका तो धंधा चल रहा है उनका धंधा चल रहा है इसके अंदर दो चीज़ें एक तो ये कि कमरान साहब ने इसलिए किया कमरान साहब के मोज़े बिकरें पाकिस्तान से बाहर कमरान साहब हैं अच्छे आदमी ठीक है हाँ मतलब उनका है कि यार मैंने सही काम करना है मगर ज़ाहिर है इकोनॉमिक्स भी सेंस बनी चाहिए कि उनका भी ये है कि कारोबार अगली नस्ल भी चलाए उससे अगली भी चलाए बिल्कुल वो जब तक इकोनॉमिकली नहीं सोचेंगे तो नसल दर नसल कारोबार चलेगा नहीं मगर साथ ही कामरान साहब को कस्टमर जो बैठा हुआ था बाहर जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसने कहा यार कि अपनी इमिशन कम करो अगर नहीं करोगे तो मैं अपने मोजे आपकी जगह कहीं और से बनवा लूँगा ठीक है ठीक है अब हम होंकि हम कामरान साहब का नाम यूज़ करें एज़ एन एग्जाम्पल राइट right. तो मैं भी नाम यूज़ करता हूँ हम जो है ना मोजे आपके बनवा लेंगे इंग्लादेश से ठीक है ठीक है हम सारे समझते हैं इंग्लादेश हम किसकी बात करें मिसाल के तौर पर तो वो इस वजह से कमरान साहब ने कहा कि मैंने अब अपनी एमिशन कम करनी है ठीक है दूसरी चीज़ कि कमरान साहब तो एक कंपनी है uh. हमारे मुल्क के लिए इसका क्या एम्पलिकेशन है, है ये बड़ा समझना जरूरी है हम क्लाइमेट चेंज को लेकर हम सारों को बताया गर्मी है बिजली है नहीं पानी भी खत्म हो रहा है सब कुछ है वो एवरीबडी नोज अबाउट दैट राइट हम ये भी बात करते हैं कि हम हमारी मिशन दुनिया में बहुत थोड़ी हैं तो हम क्यों फ़ेस करें हम क्यों कुछ करें ये बात भी बड़ी होती है जो चीज़ पर बात हम नहीं करते वो इसका इकोनॉमिक नेगेटिव है कि हमारा इकोनॉमिकली पाकिस्तान को इम्पैक्ट क्या होगा मैं थोड़ी देर के लिए एक एक्जाम्पल एक दूंगा एक रिसर्च की उसे फिर हम प्रैक्टिकल पे लेके आऊँगा उस पर कि प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है अभी रिसेंटली मकेंद्री जो थी उसने एक रिसर्च की है कि यार दुनिया जो इनर जीरो नजर जीरो कर रही है तो इसका अगले पचास साल अगर हमने नटजीरो ट्वेंटी फिफ्टी तक ना पचास अब तो तीस साल रह गए तीस साल में हमने नेट जीरो पर जाना है तो इसकी कॉस्ट क्या है और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है दुनिया के लिए उन्होंने सत्तर मुल्क जो दुनिया के जो नाइन्टी फाइव परसेंट दुनिया की जी डी पी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनको उठाया उसमें पाकिस्तान भी एक है उन्होंने कहा कि इन सत्तर मुल्कों ने अगर नेट जीरो पर जाना है तो इनका कितना एक्सपोजर है नट जीरो को लाइक like दुनिया जब नेट जीरो पर जाएगी तो इन मुल्कों पर फर्क क्या पड़ेगा इकोनॉमिकली क्या फ़र्क पड़ेगा फरगेट अबाउट द हीट वेव वन ऑल दैट और दूसरा इनकी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है इतनी कि ये जीरो जब दुनिया जा रही होगी तो ये ख़ुद कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने दो चीज़ों पर मैप किया है एक तो ये कि यार ऑन वन साइड वाई एक्सिस के ऊपर कि यार इनका ट्रांजेशन एक्सपोजर कितना है मतलब इनको कितना फर्क पड़ेगा दुनिया नेट जीरो पर जाती है और बॉटम पे कि इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है इनके अंदर सलाहियत है इतनी कि ये कुछ कर पाएंगे उस मैपिंग के अंदर पाकिस्तान जो है वो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे है अच्छा। यानी पाकिस्तान का एक्सपोजर भी सबसे ज़्यादा है हाँ सबसे ज़्यादा और सबसे कम इकोनॉमिक और सबसे कम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मतलब किनिया उसमें किनिया बांग्लादेश इंडिया वगैरह जो करीब करीब है पाकिस्तान के मगर पाकिस्तान क्लियरली उनसे थोड़ा हमेशा दो कदम आगे जिस तरह पाकिस्तान रहता है हाँ। उसका पाकिस्तान उनसे दो कदम आगे है उसका मतलब क्या उसका मतलब ये है कि हमारी टेक्सटाइल मिसाल के तौर पर मैं टेक्सटाइल की एक एग्जाम्पल बट ये और सेक्टर्स पर भी होगा टेक्सटाइल हमारी को पचास परसेंट उससे भी ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल किया उससे हमारी एग्रीकल्चर भी लिंक्ड है उससे हमारे केमिकल और डाइस के सेक्टर भी लिंक्ड हैं उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें लिंकडें टेक्सटाइल सेक्टर से अब टेक्सटाइल सेक्टर से पे जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिस तरह गैप हो गया ज़ारा हो गया प्राइमार्क हो गया टारगेट हो गया बेकि नेम ऑल ऑफ दम ब्रांड्स हैं जो बाहर बड़े बड़े ब्रांड्स एक्ज्रेस्ट करते हैं या लीवाइज हो गया वो कहेंगे यार कि हमने तो कमिट कर लिया उन्होंने कमिट कर लिया अब कि वो अपनी अमिशन कम करेंगे वो नेट जीरो पर कमिट कर चुके हैं वो क्यों कमिट कर रहे हैं बाय द वे वो भी इसलिए कमिट कर रहे हैं कि उनके इन्वेस्टर्स उन्हें कह रहे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पुल कर लेंगे तुम लोगों में से अगर तुम लोग की कमिटमेंट नहीं करोगे ठीक है वो कमिट करें और साथ ही उनको रेगुलेशन भी आ रही है अब पाकिस्तानी अगर नहीं करते हैं मिशन काम तो वो अपनी सप्लाई चेन पाकिस्तान से मूव कर देंगे सिर्फ़ एक कंपनी से नहीं करेंगे कमरान साहब से बल्कि वो जमाल साहब से भी करेंगे वो असद साहब से भी करेंगे वो सबसे करेंगे मूव ठीक है और वो कहीं और ले जाएंगे अपनी उसका फ़र्क पड़ेगा टेक्सटाइल कंपनी से कारोबार तो नीचे जाएगा जाएगा साथ ही हमारी एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क होगा क्योंकि आप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं आपकी कॉटन बिकना बंद हो जाएगी अगर आप कॉटन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उसमें नहीं लग रही तो वो भी नहीं जाएगी साथ ही आपके केमिकल्स डल रहे हैं उसके अंदर आपकी वो इंडस्ट्री भी नुकसान में जाएगी तो पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है वो कनेक्टेड है अब इससे लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा आपकी चालीस आबादी काम करने वाली टेक्सटाइल से वापस है तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी राइट तो आप इस एस्टिम बाय रफली अगर ये इकोनॉमिक एंगल ना देखा जाए इसका और उस पर काम ना किया जाए तो पंद्रह से बीस मिलियन नौकरियों का हमें नुकसान फेस करना पड़ेगा आप, पाकिस्तान को ठीक है ये तो सारी हो गई बुरी बात है अच्छी बात क्या है इसमें अच्छी बात यह है जी कि उसी रिपोर्ट के अंदर वो ये भी बात करते हैं कि अगर दुनिया ने नेट ने जीरो पर जाना है तो पूरी दुनिया को और ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जो, जो जोग्रफ़ी नहीं देखता ये मतलब आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं इंडिया में बैठे हैं हर एक को इकट्ठा ही हिट करेगा नेट जीरो पर जाना तो सब ने जाना है नहीं तो जाना बड़ा मुश्किल है तो अगर हमने जाना है नेट जीरो पर तो हमें तकरीबन नाइन ट्रिलियन डॉलर बड़ा एक नंबर है मगर मतलब नाइन ट्रिलियन डॉलर साल के लगाने पड़ेंगे ठीक है वो नाइन ट्रिलियन डॉलर जो है उसका वो सारा पड़ा हुआ है इस टाइम डिवेल्प कंट्रीज पे अच्छा उसी मैपिंग में पहले बता रहा था ना आपको ट्रांजिशन एक्सपोजर के क्या क़ुवत है उसकी सलाहियत है या नहीं है और ये उस पर एक कोने पे अगर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश है तो दूसरे कोने पे स्विट्जरलैंड है यूएस है यूके है सारी डिवेल्प कंट्रीज है ठीक है ये पैसा सारा इनके पास पड़ा हुआ है मगर ये पैसा अगर यूज होगा तो ये ऊपर यूज होगा टॉप लेफ्ट पे ये पैसा यू एस स्विट्जरलैंड से मूव होना है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ तो पाकिस्तान वगैरह के लिए फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स और प्लेटफॉर्म्स स्टैब्लिश कर सकते हैं जिस जिसपे हम उस दुनिया को दिखा सकें यार कि ये प्रोजेक्ट जिसका वो हस, आ, हसन बात करता था बायो मैथ्स की बायो मैस की बड़ी आइडियल एग्जाम्पल है यार बायो मैस पर हम दिखा सकते हैं यार कि एक प्रोग्राम है जिससे पूरे के पूरा सेक्टर की की हम मिशन कम करेंगे और उसके अराउंड हम नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं जाके ग्लोबल फाइनेंशियल कम्युनिटी से तो इज़ अ ह्यूज पाउट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दैट वी कैन रैली राइट right. उससे ना सिर्फ आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होता है बल्कि वही पैसा आपको क्लाइमेट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा लेटर ऑन बिकॉज आप इमिशन भी कम कर रहे हो आप अपनी इंडस्ट्री को भी ड्राइव कर रहे हो तो ये सारी जो तो है ना ये इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर जाकर राइट right. इ नेट जीरो पाकिस्तान पर अगर मैं बात करूँ कि कमराज साहब अपनी इमिशन किस तरह कम करेंगे नेट जीरो पर उसी में ये नेट जीरो प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ हेल्प कर रही है उन्हें अब इस पर हम करके रहे हैं प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में हम कर ही रहे हैं कि हम इन कंपनीज़ को इसमें हमारे पास टाइम पे 24 कंपनीज है 22 टेक्सटाइल हैं इस टाइम सारी लीडिंग एक मतलब कि कमरान साहब हैं उसके अलावा और बहुत सारी बेशुमार मतलब जो, जो भी लीडिंग कंपनीज हैं वो इसमें हैं एक तो ये कमिटमेंट कर रहे हैं बट कमिटमेंट के बियॉन्ड हम इनको चार पांच चीज़ों के अंदर इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक तो हम बड़ा मेजर काम कर रहे हैं वो है ब्रांडिंग के ऊपर क्या पाकिस्तान में और ऑनस्टली स्पीकिंग अब पहले बात करते हैं मेकेंजी वाली के मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान आया हूँ मुझे ऑनस्टली आठ साल पहले जब मैंने पी ई टी जॉइन की थी उससे पहले मेरा इतना एक्सपोजर नहीं रहा था पाकिस्तानी इंडस्ट्री का इस एक साल में जब मैंने ज्वाइन किया और मैं इन इंडस्ट्री से मिल रहा हूँ जा पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है ऑब्वियसली हर मुल्क की तरह हमारे यहाँ भी चीज़ें इधर उधर होती हैं बट ओवरऑल पाकिस्तानी इंडस्ट्री काम बहुत अच्छा कर रही है पर उसका प्रॉब्लम यह है कि हम वो शो ही नहीं कर पाते तो ब्रांडिंग के अंदर हमारा एक बड़ा मेन फोकस ये कि हम किस तरह अपनी इंडस्ट्री जो काम करिए उसका नैरेटिव क्रिएट करके उसे शो कर सकें पाकिस्तान से बाहर राइट right. इसके मैं एग्जांपल अभी देता हूँ रिसेंटली अभी हुई थी प्लास्को वाली जो प्लास्को तो एक थी कॉप राइट right. उस पर भी हमने जाके एक डिस्कशन की थी बट जो एक्चुअल इम्पैक्ट अभी रिसेंटली हुए डेट इज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट वो ये कि हमें भी पिछले से पिछले हफ्ते कोपन हेगन के अंदर एक समिट हुई है ग्लोबल फैशन समिट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उसने की उसमें सो प्लस ब्रांड्स आए हुए थे ज़्यादा उसमें यूरोपियन ब्रांड्स थे अमेरिकन इतने नहीं थे ऑनस्टली मगर उस समिट पर हम गए और हमने जाके वहाँ जब नेट जीरो पाकिस्तान की बात की कि हम ये कर रहे हैं और ये बाईस कंपनीज आई हुई हैं तो ब्रांड्स की तरफ से बहुत एक्साइटमेंट थी और एक जो मैंने मैसेज उधर बड़ा कॉमनली सुना एक तो यह कि वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम जाके अपनी बात करते हैं या जिक्र करते हैं अपना दूसरा है कि उनको पाकिस्तान का नेरेटिव टिपिकली वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया से मिलता है राइट right. एक पाकिस्तानी जब पाकिस्तान की बात क्रेडिबली डेटा शो करके कर रहा था उनसे तो दे फाउंड इट वैली रिफ्रेश राइट right. और उसी डिस्कशन के थ्रू अब हमारी उनसे काफ़ी ब्रांड्स एंगेजमेंट भी चल रही है कि उनको पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाए

जिसमें बात समझते हैं जब आप उनसे बात करते हैं ना कोल की कोल वो समझते जरूर है हाँ. बट कोल में जब आप कहते हैं कि हम तो कोल पावर प्लांट लगा रहे हैं और वो कोल से दूर भाग रहे हैं वो डजन ए लाइन जब उनसे नेट की बात करते हैं ना तो उनके फौरन कान खड़े हो जाते हैं बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विद समस्ट ठीक है अच्छा मुझे एक बात ये बताएं कि मैं कहता हूँ कि यार ठीक है आपने एक तो अब अगैन ये आपने सारी की सारी बात की बट इसमें बॉटम लाइन तो ये है ना आपने कहा हम उनको बताएंगे तो बॉटम लाइन तो ये सम 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 हेर समर मेरी एनर्जी यूजेज के अंदर मुझे अपनी कार्बन एमिशन मिनिमाइज करनी है एंड मुझे रिनीबल्स की तरफ जाना है राइट विच बेसिकली मीन्स दैट माई एनर्जी सोर्स नीड्स टू बी क्लीन एंड दैट ऑब्वियसली आइदर चलो छोटे लेवल के ऊपर मैं कह सकता हूँ कोई फैक्ट्री है उसने जाके अपना सोलर वोर लगा लगू के बहुत ही ज़्यादा उसमें यूनिट्स अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस एंड यूनिट्स अमाउंट ऑफ कंज्यूम करके उसने अपने जीरो कर दिया टेक्निकली स्पीकिंग बट रियली इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स यू रियली नीड के जो आपकी इनपुट फैक्टर्स हैं जो आपका कोल का पावर प्लांट है उसकी जगह आपका हाइडल आ जाए जो आपका एक्स वाई जी आ जाए आपका नोकली न्यूक्रियर आ जाए फोर्थ where does the unit economics of all of this stand as a developing economy so question mm -hmm. is, uh, mm -hmm. is, you know like as a as a climate scientist of sorts why are all of these projects happening in let's say Kenya and Tanzania and Pakistan and and, and countries which really don't have that impact um, and not really as ex I mean they're happening definitely but not happening at such an accelerated pace in the Western world, which is a primary contributor of all of this. So, for example, and and maybe my my naive, uneducated mind would say, yeah, maybe the the economics doesn't make sense for them. Uh, why is it that when the Ukraine crisis happens, the entire Europe is, 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 is feeding up on the Russian gas? And whenever it's about us having that same sort of gas, it becomes a huge problem, right? And so, political economy, a concept. I feel like needs to be a part of the conversation as well. Um and and in that breath, I'd like to understand KRTK, climate change is And while I let me put it out very clearly before someone calls me a quack. Climate change is a very real thing. Um Pakistan is gonna be one of the biggest क्या वॉट वॉट वोड बी द वर्ड जिसको इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमरेबल मोस्ट वॉनरेबल फूड सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशन हैं वाटर स्कारसटी के इम्प्लीकेशन हैं क्लाइमेट माइग्रेशन का बड़ा वो कहते हैं इतना इन हॉस्पिटेबल हो जाएगा कि शायद बहुत सारे लोगों को मूव करना पड़े गर्म इलाकों में सर्दी इलाकों में बट इज़ दोल्यूशन टू दैट मैस रियली लुकिंग इन वर्ड्स विच आई फील ऑन समेल्स वी डू दरख्तों की बात है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अंडरस्टैंडेबल है टेन परसेंट फॉरस्टेशन इज इज़ अंडरस्टैंडेबल इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की आपने बात किया आई अंडरस्टैंड यू नो वाटर कंजर्वेशन की आप बात करते हैं तोहरी है के इंडस्ट्रीवर की आपकी uh, क्या कहलाती है um, आप उसको बेसिकली फिर से फिर से डिवेलप कर रहे हैं या आप डैम्स बना रहे हैं टू इंश्योर कि आपकी वाटर स्टोरेज बढ़ जाए आई अंडरस्टैंड बट वेन इट कम्स टू काबन मिशन really just i'm trying to understand the political economy side of things okay uh, what impact is pakistan really making apart from the fact that the game is rigged in a way that they, they're the ones who decide that now we're going to tax you so here is take money contract with our consultants meanwhile give all the money back and then pay for it for the next 50 years yeah um, and we're going to force you uh, to, to to you know also just do it um, tell me a little bit about that. Yeah, let me just say one thing and I'll let Hassan Hassan being the energy expert, I'll let Hassan jump in on the energy point. I think there is a there is a flip side to the whole thing as well. Right. It's not about just solving the problem, to your point, right? Mm -hmm. I'm climate pay impact. To ho hain. There's a there's the other side, the opportunity side to it as well. There is a green industrial revolution happening in the world. Green economy, mein, I'll give you one example. COP26 ke baad, ek network established G fans. ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस नेटवर्क जिसमें कुछ साढ़े चार सौ के करीब एसेट ओनर्स आए हैं जिनका एक सौ तीस ट्रिलियन के करीब एसेट्स हैं जस्ट बिग नंबर जो है कमिट हो रहे हैं इसके अंदर द अपर्चुनिटी यू हैव इज टू क्रिएट ए नैरेटिव अराउंड योर इंडस्ट्री विच इज अराउंड बिल्डिंग द ग्रीन इंडस्ट्री वो टेक्सटाइल में हो ना हो टेक्सटाइल में आप किस तरह करते हैं तो अलग डिटेल्स हैं क्वेश्चन बट जस्ट हैविंग द विजन के यार अब हम पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ वट आवर एशन इज लाइक इफ आई थिंक अबाउट द ट्वेंटी फिफ्टी वाला के आर नजीरो ट्वेंटी फिफ्टी का मतलब क्या है इसका hmm. मतलब यह है कि पाकिस्तान बिकम्स द ग्रीन इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हमारा टेक्सटाइल इज द ग्रीनेस्ट टेक्सटाइल आउट देयर ठीक है जो कि हम मार्केट को सप्लाई करें हैं ग्लोबली हम अगर एग्री में देखें तो हमारी एग्री जो ऑर्गेनिक है रिजनेटिव तरीके से हो रही है एग्रीकल्चर ठीक है द इकोमिकॉर्चुनिटी डेट यू हैव राइट नाव टू रियली जंप ऑन दिस नेटिव नडजीरो का और डी कॉबनाइजेशन का एंड टर्बोजॉर्ज अ लॉट ऑफ योर सेक्टर्स ठीक है वो दैट इज अमेजिंग दैट इज ह्यूज बिकॉज पैसा उस पर जा रहा है ठीक है राइट एंड देन यू ऑल्सो हैव दैट स्पॉटलाइट ऑन यू कि यार आप इम्पैक्ट भी हो रहे हैं नेगेटिवली नेगेटिवलीरस्पेक्टिवली आपके आप नंबर्स क्या हैं बट आपकी जिंदगी तबाह हो रही है ना तो वाई यू यूज दैट नरेटिव लिंक टू योर इंडस्ट्री योर सेक्टर्स एंड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म थ्रू विच आप थोड़ी बहुत अमिशन जो कम करनी है वो तो करेंगे hmm. और साथ उसको यूज करें टू स्टर्ब योर सेक्टर्स ओके सो माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट बिकॉज वी वी हैव हैव ऑलरेडी सच लो For us to become a leading AAA-rated success story is much easier than what it would have been had we been emitting a lot of uh, emissions yes. and to convert that into uh, So automatically, we can potentially leapfrog in the to the future. Yes, and capitalize on this entire narrative that is going to be spot on. I'll it's give right. you one very practical example, right? Balochistan again, there is time pick cotton. के Massive pieces of land, Balochistan is a virgin land.

But it can be fertile. I mean, this is something we are this seeing in, not so just in Balochistan, but just in areas such as South-Southern KP, area in Southern Punjab. Water availability is the question, but fertility is not the issue there. Because I've been hearing this alternate narrative of, and which, I mean, there is some truth to that, to that narrative as well, but our fertile land is being converted into housing societies. And I've always looked at it that in a very cynical way, because the fact is with a growing population, you need to solve the housing problem as well. The fact that then then it's not a matter of, oh my god, you know, let's just keep growing where we're already growing and keep our people homeless. It's really a matter of water distribution. um You distribute it properly because I think 90%, 70% of Pakistan is uninhabited for most part. But some of the primarily. एंड हमने ग्रो करने की कोशिश ही नहीं की हम उन्हीं शहरों को बड़ा करी जा रहे हैं और वो एक अजीब गरीब किस्म के मॉन्स्टर शहर बन रहे हैं बी एबल टू प्रोवाइड वाटर टू बलोचिस्तान के लैंडबल yeah? like yeah. yeah. जिसपे आपके इस टाइम फार्मर वो ऑर्गेनिक कॉटन लगा रहे हैं

अब तक अभी लगी नहीं है उनको तरीके सिखाओ रीजनरेटिव तरीके से लगाने के जब वो लगाओगे तो ऑर्गेनिक कॉटन की मार्केट है उसकी डिमांड मीट करोगे दूसरा ये कि आप अभी हम बात करेंगे दूसरे प्रोग्राम जम रन करें हमारा कार्बन क्रेडिट्स का प्रोग्राम है ठीक है तो कार्बन क्रेडिट्स का प्रोग्राम एज अगेन टू योर पॉइंट ये दरख्त तो हम लगा रहे हैं बट उस पर फाइनेशली इंसेंटिवाइज कर सकते हैं हम हाँ। क्योंकि आप जो कार्बन मिशन सिक्वेस्टर कर रहे हैं इन्वयमेंट से उसके बदले आपको कार्बन क्रेडिट मिलते हैं अभी जो कॉटन फार्मिंग हो रही है अगर इसको रीजनेटिव तरीके से कर लिया जाता है hmm. और हम प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं सॉइल सैंपल्स का और चीज़ों का और हम प्रूव कर देते हैं यार कि करने से हमारी इतनी इमिशन कम हो रही हैं उस पर कार्बन ला के यू कैन फर्दर दैट सो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रोकूंगा सो असेंशियली एक बड़ी पिछले दिन मेरी बड़ी हुई Um, and a large part of that conversation was really about uh, optimization of farming method methods, and, and obviously Pakistan has one of the lowest yields in the region. And, you know, through that conversation, I was actually searching up online as well. And I realized well, that in Pakistan, it's really just these primitive methodologies of how you do your farm, like farming ka ka kaam but a large part of duniya is basically a lot of GMO and FERTs and <laughs> right. So really. कैपिटलाइजिंग ऑन योर वही वाली बात है मैं अपनी बेगम को काफ़ी दफ़ा बोलता हूँ कि बचपन में ना हम हम सब के घरों में वो दही के प्याले और वो ना वो पड़े होते थे अलमारियों में और मैं हमेशा मम्मी को देखे कहता मैं क्यों आप ये सामान रखती हैं और मॉडर्न डे में ना अब ये एक थिंग बन गई है कि यू नो मैं तो यू नो आई एम 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 एन एन्वायरमेंटलिस्ट एंड मिनिमलिस्ट हूँ और जो जो आपके पेरेंट्स को आप लगेगा दखन उसी लोग हैं यार आप पैसे अच्छा कमा रहे हो आई गांट यू स्पेंड एंड सडनली नाउस इट्स इन फैशन सेम थिंग एंड एंड सो In a way, maybe a lot of that crop that we're producing can be higher value if we just brand it right. I'll Hassan, sort of, yeah. Hassan has been doing a lot of work with these things. No, no, absolutely. <laughs> because I think your uh, question earlier uh, on, um, kya kete, uh, so on like, the political economy side. Right? I mean, look at it carbon as a commodity, right? Carbon right. is going to be a commodity, a tradable commodity, essentially. And what that really means is right now, as more and more companies, are driving towards your net zero hear uh. a lot. Essentially what it is driving towards is that carbon will be a commodity and carbon emission reductions jo bhi at a low cost kar sakta hai, they're going to sort of take control of the market. Right? So Pakistan, if you talk to anyone around you, because of the fact that we are a low emissions country and are, you know, in the grander scheme of things, what it really means is that we are at the forefront, we are a carbon gold mine, so to speak. एंड इसेंशली इसका मतलब ये जिस तरह हम ये फार्मर्स की बात कर रहे हैं जो हमारी फार्मिंग टेक्नीस हैं और द फॉर्स्ट कवर दैट वी कैन एनहानस एंड वट वी ऑलरेडी बीन डूइंग दैट ऑनली मीन्स कि ये जो है ये एक यू नो इट्स इट्स अ सी एस आर एक्सरसाइज सो टू स्पीक इसका जनाब एक इंटेंजिबल सा इम्पैक्ट होगा बट इट एक्चुअली हैज़ बिकॉज इट इज़ द काबन अमिशंस दे आर प्रोड्यूसिंग और uh, रेड्यूसिंग वो एक कमोडिटी हैंग ट्रेडेड राइट नाव एंड पाकिस्तान राइट नाव जो है can, yep. right right now, hai, हम लोग काफ़ी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एडवाटेज ऑफ टू पुड इन टू कॉन्टेक्स राइट बाई ट्वेंटी थर्टी द मार्केट दिस मार्केट फॉर दिस कार्बन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू बराउंड हंड्रेड बिलियन डॉलर्स एंड राइट नाव वॉट सोड ऑफ एक्चुअली हम उस मार्केट का हिस्सा ही नहीं हैंगफुले एंड बिकॉज हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिस तरह के आप अभी फार्मदार की बात कर रहे हैं बट्सो दम एंड टेक्निकट वी हैव ऑल्सो गुड थिंग्स वी आर डूइंग इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर या फिर इवन एज सिम्पल एज्स बैक टू दॉइट एट नो ब्रिंगट इकनॉमिक वक्चुअली मेक सेंस एट द एट दूनट इकनॉमिक आप बात कर रहे थे सोलर की यूनिट इकनॉमिक की राइट right? सो so, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जस्ट इन के पी और गिलुत बल्तिसान इट इज़ इ, मतलब एक्सॉबिट एक्सपेंसिव कि वहां तक आपका ग्रेड पहुंच सके तो वहाँ बहुत से इलाकों में नेशनल ग्रेड नहीं जा सकता और नहीं जाएगा और अगर उसको लेके जाएंगे तो यूनिट कॉस्ट इतनी हाई है ग्रेड पहुंचाने की कि गवर्नमेंट की विल नहीं है बिड़ी 25 बिड़ी। बिड़ी। 25 और ठीक है हमारा ग्रिड बेस्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम और वहाँ अब इंडिजीनसली सॉल्यूशंस आ रहे हैं मतलब हम केपी में जाते हैं वी हैव गॉन टू प्लेसेस लाइक चित्राल स्वात माइक्रो हाइड्रो एंड माइक्रो मिनी ग्रिड्स लगे हुए हैं कम्युनिटीज आर रनिंग देम एंड एट एट इट इज एट दैट पॉइंट और इस तरह के जो पोटेंशियल ढाई तो से तीन हज़ार मेगावाट ऑफ वर्थ ऑफ कम्यूनिटीज़ जो कि आप थ्रू सोलर एंड हाइड्रोमिग्रेट जो लगा सकते हैं जहाँ यूनिट इकोनॉमिक्स एक्चुअली मेक सेंस नॉट बिकॉज के आप कंपेरिजन करोगे एल एन जी या फॉसल फ्यूल से वहाँ तो ग्रेड ही नहीं है mm. वो भी रिलाय कर रहे हैं डीजल जेंट सेट्स पे कुकिंग uh, वगैरह के लिए जनाब जो उन्हें कूड़ा वगैरह मिलता है वो जलाते हैं उसके अपने इश्यूज़ हैं सो वन यू कम डाउन दूनिट इकनमिक्स लेवल एंड द पाकिस्तान एक्चुअली अस पार्टिसपेटिंग इन दिस लो कार्बन जिसको हम कहते हैं एक्टिविटीज या क्लीन एक्टिविटीज इवन फ्रॉम द एनर्जी साइड एक्चुअली मेक्स इकोनॉमिक सेंस एट द हाउस होल्ड लेवल बट देन इट मेक्स यू द लीडर वैन इट कम्स टू दिस ग्लोबल कमोडिटी रेस वन एक, एक, एक और मैं अगर आपसे सवाल पूछूँ देखिए हमारा मसला एक्सपोर्ट्स का है पाकिस्तान का प्राइमरी मसला एक्सपोर्ट्स का है बिल्कुल पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब आप उसको बैक ट्रैक करना शुरू करते हैं तो उसमें एनर्जी एक मेजर कम्पोनेंट हमेशा यश yes. उड़ के सामने आते क्यों आते हैं वो कहते हैं यार जहाँ पे आपके 40-45 रुपए की बिजली है वहाँ पे बंगला आपको 30 में दे रहा है इंडिया आपको 25 में दे रहा है आप कंपीटिंग नहीं कर सकते दैट्स मेन इम्पोर्ट इन एवरी इंडस्ट्री राइट चाहे आपको वो बिजली बि, बिजली से आप करें आप किस तरह से करें आखिर में आपने तेल से जलाना है लेकिन बिजली चाहिए आपको सम हाउस सम वेयर इफ़ यू डू दिस राइट एंड दिस इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ डम वो बट अगर इफ़ डू दिस राइट तो जो आपका डिफरेंशियल है वो असेंशली आप कार्बन टैक्स से पूरा कर सकते हैं exactly. एग्जैक्टली Oh, And not. I mean, saying, again, hmm. the, the building what is saying right, ना सिर्फ पूरा कर सकते हैं बल्टा उसको लेवरेज कर सकते हैं ऑन दी अदर साइड टू हैव बेनिफिट फॉर दीज communities.

शहर जाते थे जनाब और वहाँ से तेल लेके आए और जब तक चलता रहा तब तक चलता रहा एंड जो बाकी घर थे उनमें तो कोई एक्सेस ही नहीं था सो so, ऑर्गेनाइजेशन मैं नाम लूँगा एस आर एस पी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे किसके फोर्थ फ्रंट पर रही है uh, जो 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 पाकिस्तान में नाइनटीन एटीज से लग रहे हैं उसके जो फोर्थ फ्रंट पर जो लोग रहे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के भी हिस्सा हैं एंड द अमेजिंग पार्ट इस के शुरू में तो उनको मिल गया ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए ग्रांट ठीक है। ठीक है ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लग गया दो से तीन साल गुजर गए हाउ डू यू maintain इट क्योंकि प्रोजेक्ट को तो ऑपरेशन भी करने एंड एंड देट यू नो द कम्युनिटी एक्चुअली गॉड एंड वर्ल्ड जो कम्युनिटी के लोग थे गॉड दे वर्ल्ड के यार विल पे फॉर इट जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है आप हमें ट्रेन करें हम खुद छोटी मोटी कर लेंगे बल्कि वील पे फॉर इट सो एवरी वन इन द कम्युनिटी इसेंचुअली पेज फॉर द माइक्रोहाइड्रो उसकी ऑपरेशन और मेटेनेंस के लिए वो दिस इज नॉट लाइक लेस को या कोई आपकी आई एस को लोगों ने खुद ही अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना लिया और खुद ही उसकी पेमेंट और ऑपरेशन एंड मैंटेन्ंस को रन कर रहे हैं राइट right. बट इशू ये है कि इसको स्केल करने के लिए एट सम पॉइंट यू नीड यू नो एन ए फाइनेंशियल इनपुट राइट देर इज अ बिजनेस केस अराउंड इट यू यू नो देर इज नो नोडो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ग्रांट्स के थ्रू चलता है देर इज एन एक्चुअल बिजनेस केस अराउंड इट केज अराउंडमर इज विलिंग टू पे देर आर कस्टमर एक्चुअली विलिंग टू पार्टिसिपेट इन इट्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज वेल बट देर इज अ गैप देर इज अ फंडिंग गैप वेयर अ फाइनेंसिंग मैकेनिजम नीड्स टू कम इन जो कि इंश्योर करे कि ये रिलायबली चलता रहे ये सिस्टम क्योंकि इट एक्चुअली इज़ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट लो कॉस्ट तो आपका वो एनर्जी एक्सेस का भी मसला हाल होता है

हमारे पास रिसोसेज मौजूद हैं कि हम उस चीज़ को भी रिवर्स इंजीनियर करके बना लें। बट हैविंग सेड दैट दैट इज़ वेयर दिस थिंग आई कि कार्बन क्रेडिट्स और दिस दिस आइडिया ऑफ कार्बन ऑफ सेट्स कम्स इन इस किस्म की जो ऑर्गनाइजेशन है वेयर you know, जो कि इस, इस लेवल पर काम कर रही एनर्जी एक्सेस या तलहा बात कर रहे थे फार्मर्स जो हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आ, में ऑलरेडी इन्वाल्व हैं आ, हम मतलब हम लोग डी ए खान में भी काम कर रहे हैं वी हैव टीम मेबर जैसे तलहा ने बताया बेस्ड इन डी ए खान सो वी हैवे लोकल प्रेजेंस और यू एक्चुअली फाउंड आउट के डी ए खान और चारसद्दा में लोग शुगर केन उगाते हैं और वो शुगर केन एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रेशर्स वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक है Uh, उसमें फर्टिलाइज़र भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वो भी मैन्यर इस्तेमाल हो रहा है इट्स नॉट फॉर फर्टिलाइज़र जो बाज़ार से आ रहा है इंसेक्टिसाइड्स वगैरह भी इस्तेमाल नहीं हो रही और उसके जो प्रोड्यूस है वो जैगरी है जिसे हम गुड़ कहते हैं ठीक है एंड दैट इज़ प्योर ऑर्गेनिक एंड दैट एक्चुअली हैज़ अ लॉड ऑफ वैल्यू इन द ग्लोबल मार्केट बट द फैक्ट ऑफ मैटर इज एक तो उनका एक्सेस नहीं है ग्लोबल hmm. मार्केट्स hmm. का और दूसरा ये कि उसको स्केल अप करने के लिए उस उस प्रोग्राम को या इन फार्मिंग को दे नीड द रिसोर्स द फंडिंग अगेन यहाँ पर आपके पास एक बिजनेस कैसे फॉर ए डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो आके इंसारों को कनेक्ट करके ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कर सकता है एक्जैक्टली सो दैट इज़ वेयर इसेंशियली द पाकिस्तान एनवाइट ट्रस्ट इज प्लेइंग दट रोल वेयर वेदर इट इज़ देर इट इज़ दैट माइक्रोहाइड्रो इन इन सुथ इन चित्राल और इट इज़ दैट ऑर्गेनिक फार्मर सिटिंग इन इन डी ए खान और दिज कॉटन फार्मर इन बलोचिस्तान जहाँ उन वो काम कर रहे हैं Uh, और उनके पास uh, जो है जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं दे आर ऑल इन लाइन जो कि हम जो ग्लोबली अब जो बात हो रही है ना ड्राइव फॉर टू सस्टेनेबिलिटी टू कंज्यूमिंग लोकल यूजिंग टू वर्ड्स यूजिंग सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जिससे कार्बन एमिशन जो होंगी वो उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी इन लाइन है वर्ड दे नाउ नीड टू डू इज नाउ गेट एक्सेस टू नंबर वन द फाइनेंसिंग द फंडिंग फ्राम दिस कार्बन कार्बन मार्केट टू बी एबल टू एक्चुअली स्केल अप टू बी एबल टू सस्टेन And that is where the PET's role comes in. Where hum log, what we have done is we have gone out to these communities, we have gone out to these project owners. What we are working with them is basically collecting the information that they have. Uh, information they are doing, they collect key whether it's that carbon emissions are data at that level, at the ground level, that if you are organic farmer, what practices do you quantify that carbon emissions are low एंड दैन टेकिंग दै इन्फॉर्मेशन टू योर ग्लोबल एक्रेडेशन एजेंसी चूँकि जिस तरह कोई भी मार्केट वर्क करती है उस मार्केट के रेगुलेटर्स होते हैं सो हम वी टेक द इनफॉमे टू द मार्केट रेगुलेटर्स वी डॉक्यूमेंट दू नो ऑल ऑफ द वर्क देते डूइंग वी प्रोवाइड दैम एक्सेस टू द रेगुलेटर्स और हम वो पूरा प्रोसेस मैनेज करके दैन वी रजिस्टर दीज प्रोजेक्ट्स और दीज प्रोग्राम जिससे वो कार्बन फाइनेंस और कार्बन क्रेडिट्स इशू करवा सकें एंड देन ऑन द फ्रंट साइड वी देन ब्रिंग द ग्लोबल बायर्स इन एज वेल क्योंकि देर इज अ फीडिंग फ्रेंडी इन दिस मार्केट राइट नो एज आई एम सेइंग ये मार्केट 100 बिलियन डॉलर्स की तक जाने वाली है तो देर इज अ डर्थ ऑफ जो कि प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स जो कि ऐसे हाई क्वालिटी कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन ऑफसेट इशू कर रहे हैं और पाकिस्तान में देर इज़ यू नो प्लेंटी ऑफ स्टोरीज लाइक दिस सो हमारा रोल ये है कि उन ग्लोबल लोग जो बायर्स हैं और जो जो मार्केट के जो सर sort पार्टिसिपेंट्स of हैं उनको कनेक्ट कराया जाए इन प्रोजेक्ट्स और इन प्रोग्राम के ऑपरेटर से ताकि एट ग्लोबल लेवल दे गेट एक्सेस टू दिस कार्बन क्रेडिट्स बट द फंडिंग एंड फाइनेंसिंग दैट दै अवेलेबल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट फाइनेंसिंग दैट तलहा वाज लूडिंग टू राइट कि वो जो सेवन ट्रिलियन डॉलर जो एनुअली चाहिए सम ऑफ इट इज गोइंग टू कम थ्रू दीज चैनल्स और वो फाइनेंसिंग फिर पाकिस्तान आए ताकि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको स्केल अप किया जा सके इनको sustain, और मज़ीद फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल और वायबल बनाया जा सके। इंटरेस्टिंग। दैट या थर्ड प्रोग पाकिस्तान उसके अंदर बेसिकलीयोडावर्सिटी पर काम कर रहे हैं हम लोग

उनको अपनी नेचुरल हैबिटेट में वापस लेके आया जाए यूनाइटेड हसन हसन बिल्ड ऑन दैट एज वेल बिकॉज काफ़ी सारा उस पर भी काम भी करता रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल. वो जो आप बात कर रहे हो पोच करने की आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने आपने बाबर नामा पढ़ा यानी जो मतलब जो मुगल जो रूलर था तो उसके अंदर ही एक्चुअली टॉक्स अबाउट पोचिंग सो खत्म वो इस तरह हुए थे बेसिकली इन फैक्ट आई थिंक जो आखिरी राइनो की जो हमें स्टोरी मिलती है वो आई थिंक निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने शायद उसको हंट किया था या उसको मारा था और फिर मतलब बेट They ended. Sub they ended. Up. up the program around that is basically Hey, uh, so just to confirm, these rhinos are indigenous to Pakistani like subcontinent. To the subcontinent, to this part of world. And they exist in the world, but they don't exist in the subcontinent. They anymore. don't exist in the subcontinent anymore. <laughs> in India mein हैं kuch jagah pe. but, in mm -hmm. is land, but Pakistan में तो है ही नहीं इस time पे. Pakistan में कई दो-तीन थे, तो उनकी भी age हो गई, तो मतलब they passed away. Right. अभी right. इस time पे कोई ऐसा नहीं है कि उनकी population grow कर रही है Pakistan के अंदर. Right, right, right. And that kind of restoring that biodiversity. Within the country, and where can they be placed essentially? So, basically, just to sort just of add to what the story is basically that rhinos are available in the European Zoos Association and in the US, some private which, uh, which zoos or estates. Have. So, you know, it was kind of something that was local and native to the area and now they only exist in, <laughs> the, in, the, in the European Union or the US. तो अब हमारा प्लान तो ये है कि उनको यहाँ ले कर आए सो वी वर्क एक्सटेंसिवली विद यू नो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एट द गवर्नमेंटल लेवल क्योंकि इस किस्म की चीज़ विदाउट इंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट नहीं पॉसिबल ठीक है जितने भी पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं या वाइल्ड लाइफ Parks and essentially they are all sort of operated and run, maintained by the government. And are the protected areas really protected? Um, what's the guarantee? Or are you going to add some sort of a tracker? Or just some in Kenya, I've team with the last So, how do you ensure that once they're there, they get the right environment to to reproduce and and are not poached? सो दस व नंबर वन थिंग वॉज के अभी दो राइनोज जो थे एक्चुअली वो लाए गए थे पाकिस्तान में लाल सोहनरा नैशनल पार्क बहावलपुर में इट्स एन अमेजिंग प्लेस बाई द वेफ नो वन इज गॉन आई वुड हाईली रिकेमेंड जो हमारे नेशनल पार्कस हैं टू ऑल टू गो देर टू लाल सोहंद्रा नेशनल पार्क चिंजी नेशनल पार्क कलर कहार नेशनल पदरी गेम रिजर्व दीज अफुल प्लेस आपको शायद अगर कभी आपने तस्वीरें देखी हूँ या आपका मौका हो कभी मिला हुआ मौका आपको कैनिया के, के जो वो सफारी पार्कस हैं masai mara

फॉर वट एवर रीज़न वो ब्रीड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ डिसबिलिटी जो फीमेल की थी एंड एज अ रिजल्ट इट नवर रियली टुक ऑफ एंड इसेंशियली वॉट एंड इट अपट के इवन दो दर हैबिटिट वज देयर एवरीथिंग वॉज देयर इट नेवर बिकेम अ प्रोग्राम सो हमने जो आइडेंटिफाई की है साइट लाल सोहनरा नैशनल पार्क इन बाबलपुर क्योंकि ऑलरेडी वहाँ फैसिलिटीज भी एक्जिस्ट करती हैं वहाँ एक्चुअली स्टाफ भी ट्रेनड है टू सोट ऑफ हाउ टू डील कैसे एक राइनो की एक गेंडे का ख्याल कैसे रखना है उसकी खुराक क्या है उसको क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह चाहिए वक्ता फवक्ता सो so वहाँ सारी फेसिलिटीज़ मौजूद हैं वहाँ एंड दैट इज़ ऑल ऑबियसली अंडर द एजेस ऑफ पंजाब इसके सो द होल आइडिया ऑफ री वाइल्डिंग इज़ कि आप जो है इसको यू नो यू बेसिकली लीव दैन इं टू द वाइल्ड जहाँ आपको कोई फेंसेज और इनकी ज़रूरत ना पड़े दे आर एक्चुअली रोमिंग फ्रीली सो द प्लान द वेट वर्क इज दट इन द फर्स्ट फाइव टू सिक्स ईयरस एंड वी आर लुकिंग एट कि हम पाँच से छः राइनोज लेके आए उनको उनको पहले ला के क्लाइमेटाइज करें या लोकल कंडीशन से थोड़ी सी उस टाइम पर प्रोटेक्शन चाहिए होगी ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए सिर्फ कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली बिल्डिंग अफेन्स अराउंडेड बट द वे इज एक्चुअली डन ग्लोबली इज़ दैट कि जो कम्यूनिटीज़ हैं जो लोग हैं इर्द गिर्द के टाउंस हैं उनको इन्वाल्व करें प्रोसेस में दे इधर आर पार्ट ऑफ दी सॉर ऑफ़ द इम्प्लॉयमेंट और द कंजर्वेशन ऑफ द राइनोज और दे आर गेटिंग इकनॉमिकली बेनिफिट फ्राम दिस प्रोसेस क्योंकि एग्जाम्पल जो है कॉन्गो जहाँ ये किया गया है जहाँ चिम्पेंजीज और एप्स को री इंट्रोड्यूस किया गया था इस वक्त जो है कॉन्गो के अंदर जो रीजन है दैट टूरिज्म इज़ द थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड टूरिज्म पर्टिक्युलरली एमिनेटिंग फ्रॉम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो कि सिर्फ ये को देखने आता है तो दैट्स अ थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉम कॉन्गो फॉर कॉन्गो बाय द वे सो एंड देट ऑल रिवॉल्व अराउंड जो वहाँ साथ के होटल्स बने हुए हैं साथ जो सो ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है सो दैट्स वी वॉन्ट टू सो एवेंचुअली गो टूअर्ड्स वेयर यू नो इट The communities are involved in the conservation of the rhino primarily because they're economically benefiting from it. Not right. because K R exabasti, Danda, it uh. um, it's same with uh, you know, in Pakistan already they say conservation.

सो द आइडियाज टू आंसर योर क्वेश्चन आई थिंक द एस्टिमेट अगर हम दस साल का प्लान देखते हैं तो इट इज़ अराउंड थर्टी थ्री टू थर्टी टू 50 who knows but 10 35 exactly okay. Okay. that's very exciting guys i mean i really want to uh, i did not think this would be that insightful as it was i really wanna get, that. Kya <なるほど> <laughs> <laughs> you that. but I'm I'm, I'm 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 happy to hear that you're based in islamabad maybe we can have a round two we're at the 1 hour 40 minute mark probably the top 5 the most longest podcast we've had on the, the channel um, so, I'm going to wrap this up here, um, and I know that I have a, a lot of other things to discuss because this is not just pertaining to climate change. Like, there is an entire. Uh, again, I had a conversation on 5G just a couple of days ago, and we had like a very interesting panel. Someone from Oppo, someone from Pasha, like the chairman Pasha was here, you know, a journalist was there as well. And we said 5G, uh, you know, again, the basic, if you look at the surface,

जस्ट द इकानमी फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकानमी में उसने ग्लोबली एड करना है उस पर आपको फाइव जी के डेवलपर्स भी चाहिए उसको आपको इको सिस्टम बिल्डर्स भी चाहिए उसको वो सारा का सारा का चाहिए एंड माइक्रो इकानिक्स के अंदर द इंटायर इकानोमी जस्ट बाई द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसिज है शुड यू बी एबल टू प्रोवाइड इट अर्ली ऑन एंड लेट योर पीपल जंप ऑन टू द फाइव जी बैंड वैगन जस्ट द रियल इंप्लीकेशन ऑफ वॉट दट पर्टिक्युलर कम्पोनट ऑफ द इंडस्ट्री कैन डू इन द ग्लोबल इकानमी you will make far more than what you are imagining to put in right yeah. now and 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 so you need innovative solutions maybe the telco is not really willing to invest but maybe the government and telco needs to sit down together and figure out because this is beneficial for the society at large how can we all get together and create a situation where you know uh, all of us can benefit and I feel like it's, this is a very similar story you know you really leapfrog into the future the 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 the, the, the way that the economics works may not be as simple as but but in the grand scheme of things, you're actually making far more than, um, you know, whatever you're committing to it right now. And so for that, I'd like to dive deeper into this later on. Um, yeah. I'm gonna ask you one last question that I ask nearly all of my guests, uh, and I want both of you to answer it. Um, how do you see Pakistan? You know, you've been in the UK for the most part. Before that, you've been traveling the world. You were in China, you were in the US. Um, you were also in the US and then Tanzania and Kenya and Ken Ken God knows where else. How how do you see? I mean, you you guys came back to Pakistan. You decided to in, invest your time here. You're working on this very sort of cutting edge um, future, and it's a it's a very dreamy future as, as well. It might be very frustrating at times as well because a lot of people in Pakistan would not really be responsive to it. But it is a dreamy and exciting future, uh, <laughs> not the, the the heated up and waterless <laughs> part. But uh, <laughs> in terms of the innovation that you bring in and the change that you bring in, right? उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए अट्ठाईस साल बाद पाकिस्तान दो हज़ार पचास में किस तरह का आप लोग देख रहे हैं आई थिंक जस्ट टू मैं हमारा तो एक प्रोग्राम ट्वेंटी फिफ्टी तक का है नेट जीरो ट्वेंटी फिफ्टी राइट तो मतलब प्रोग्राम ड्राइव ही हम ट्वेंटी फिफ्टी तक के लिए कर रहे हैं उस प्रोग्राम को अगर मिलूँ बट आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन राइट आई मीन आई एम एन ऑप्टिमिस्ट And, and while we're an optimist, I think the, the thing that makes us realist as well is the fact that all of this narrative needs to connect to the economic growth. Right. And building on that, the vision that we have as PET, but I'll, I'll let Hassan sort of jump in with his own perspective as well, is that Pakistan becomes that kind of green capital for the world, where Hamari industry Hamari an industry across industry, not just sort of uh, textile being one, but there's examples in automotive, there's an example in refrigeration and air cooling and all of these, where we actually are building प्रोडक्ट्स आर अ ग्रीन और वो ग्रीन प्रोडक्ट्स हम यूज लोकली भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स और आई थिंक वो केबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन दट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे बी एबल टू बिल्ड दैट केबिलिटी एंड टू एम फ्रेंकली स्पीकिंग आई डों वी हैव अ चॉइस एज अ कंट्री एज वेल मतलब हम या तो बैठ के अपना रोना रोते रहेंगे यार हम लोग तबाह हो गए बर्बाद हो गया कुछ हुआ नहीं और वी गार्ज ऑफ देशन एक्चुअली लुक एट द अपर्चुनिटी दट इज विद होल के ऑस एंड द मैड वी आर लुकिंग एट दैट एज एन अपर्चुनिटी Because I don't think we have a choice to look at it in any other way. Yeah, makes sense. Um, Hasan, what do you think? No, oh, I absolutely agree. Um, I think the and the opportunity that the, that Tala is talking about, like, I mean, to really sort of you know build that green brand for Pakistan, build Pakistan as the green capital of the world. Um, I think what it really then boils down to is how does it sort of permeate right down to the level of you know you and me, like the common man on the street as well. कि उनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है आई थिंक सम ऑफ व्हाट द दैट वी आर ड्राइविंग बट दैट वी सी पाकिस्तान ड्राइविंग व्हेन इट कम्स टू दैट जब हम पानी की रिसोर्स की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई थिंक अगर हम यू नो वी कैन सर वी हैव द एक्टेबल इश्यू फिगर आउट एक्विटेबल डिस्ट्रब्यूशन ऑफ वॉर फिगर आउट दैनो यू हैव कल्टिवेश इन बलोचिस्तानिंग यू हैव कल्टिवेशन इन सिंध हैल्टिवेशन इन डे खान प्लेज दट आरसिडर डैरिंग What that really means is that, that Pakistan is a food secure country, where uh, not just food secure, but also sort of agriculturally secure, where you know your फूड मिक्स जो है वो डफाइड है हर जगह से आ रहा है पानी की जो फरहमी है वो जो है उसके ऊपर कोई इशू नहीं है यू नो कराची वुडेंट हैव टू फेस द सेम वाटर वैन इट कम्स टू एनर्जी आई थिंक इफ वी आर एबल टू लेवरेज वट एवर रीज नेचुरल रिसोर्स वी हैव वी हैव सफिशेंट इलेक्ट्रिसक्ट्रीफाई एंड प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू ई एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्रीशियली एंड हैव इनफ लेफ्ट ओवर टू एक्चुअली एक्सपोर्ट but what i also want to talk about is the fact that by 2015, not only is pakistan a leader in the climate space, but is also exporting some of that talent, some of that initiatives. uk pakistan export exports, to diversify and by diversifying our talent and our sort of pool of leaders to globally where we are applying some of those policies in the region, but also um, uh, in the developed world, uh, for that matter. i think that is where we need to sort of drive towards. Right. makes sense I'm gonna ask you one question actually <laughs> um, it's, it's a I had a conversation with the uh, former climate minister uh, Amin Aslam and he talked about this initiative on uh, that, that, that he took with the Commerce Ministry regarding the whole electrifying of cars and I want to know if you guys have worked on this uh, ever um, and what your thoughts are on this. जो आपको याद होगा पॉलिसी भी एक आई थी टू व्हीलर्स की थ्री व्हीलर्स की फोर व्हीलर्स की um, उस पॉलिसी में अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे मसलन उन्होंने कहा कि यार फोर व्हीलर गाड़ी मंगवा लो वो आउडियाँ आ गई और डॉलर ही सारा गायब हो गया बट यू नो वो जो है वो स्टिल इट वॉज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड वट ही सेट वॉजेंशली के यू नो वी इफ 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 वी एलेक्ट्रीफाई आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट इशूज फर्स्ट कार्बन मिशन सेकेंड Uh, this imported fuel, uh, uh, essentially uh, dollar based problem through we money facing. Third, uh, we have a high cost of electricity or other circular debt. or Not exactly because of that, but a large part of that because of this sort of capacity payment that we have to make because we don't have enough demand for electricity in Pakistan. So we're just putting up these plants again and again and again. एंड द फैट इस पिक डिमांड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कभी फुलफिल होती ही नहीं है एंड वज लाइक कि यार उसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं आप घर के कंज्यूर्स को नहीं कर सकते बिकॉज मेजारिटी ऑफ न्यू हाउस कंज्यूमर्स आर एक्चुअली गोइंग टू बब्सिडाइड यूज ऑफ इक्ट्रिसिटी बिल्कुल बिल्कुल सो आई दर यू गोइंग टू इंक्रीज योर इंडस्ट्री विच इज अंज्यूमर इज अ कमर्शियल कंज्यूमर एंड सो एंड आर पेंग एट द एक्चुअल कॉस्ट दट द इलेक्ट्रिसिटी इज बिंग प्रोवाइडेड एट जिसकी अपनी एक यूनिट इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है कि यार वेदर दे दैट इंडस्ट्री कैन कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट्स और इन द लोकल मार्केट बेस्ड ऑन दैट कॉस्ट ऑफ एनर्जी राइट एंड सो दे दे अगैन वो टेक्सटाइल वाले होते हैं एप्टिमा वाले वो आके कहते हैं कि यार ही हमें इस mm -hmm. इसमें सब्सिडी दे दें बिकॉज हमारा तो बांग्लादेश वाला प्रॉब्लम है आल्टरनेटिवली आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि ये पेट्रोल बेस्ड या डीजल बेस्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रही है जिसको अगर आप कन्वर्ट करें फ्रॉम पेट्रोल टू इलेक्ट्रिसिटी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ेगी और वो विलिंग है फुल प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे करने के बिकॉज जिस चीज़ को वो छोड़कर आ रहे हैं उससे स्टिल उनको हाफ कॉस्ट पड़ रही है एट फुल प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट एंड सो फॉर मी दैट वॉज अ जीनियस प्लान टू पुष अच्छा फिर उसमें यही मसला था कि पाकिस्तान में कॉस्ट द टोटल परसेंटेज ऑफ कार ओनरशिप इज लेस देन टू पॉइंट फाइव परसेंट अगेन मेकिंग अंट्री दैट कुड पोटेंशली लीव फ्रॉक एंड सो आई रिमेंबर के फिर वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ किया कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जब देखा उसके बाद फिर वो कंस्पिरसी थियरी कहती है कि हमारे जो बड़े थे वो उन्होंने आके बोला कि यार ये आप क्या कर रहे हैं हम हाइब्रिड लेकर आएँगे आप ईजी हो जाएँ फिर इतने में मैं मेरी एक एक और कॉन्वर्जेसन हुई व हमद अजहर साहब दी आई बिलीव दामर्स मिनिस्टर Uh, it said both of these interviews are available online. I asked him, Sir, minister government Actually, the patrol is good. Have you done a working on this? Does, is it actually true that Um yeah, is it more of a lobbying effort of conventional players who've just paused the electrifying of our cars? Um, what's the real impact there? I think transport contributes roughly

क्योंकि ग्लोबली भी डीजल गाड़ियां खत्म हो रही हैं तो उसके बाद मार्केट खत्म हो रही है ठीक तो right. है, है अब ग्लोबली भी वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो जितनी अपनी डीजल गाड़ियाँ छोड़ेंगे वो फेंकेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर uh, के तो, तो उन्होंने भी अपना स्टॉक से मूव करनी है चीजें तो देर इज ऑफ दैट प्रॉब्लम दैट दैट यू फेस इन द फ्यूचर फ्यूचर वेल राइट इज वन तो उसको सॉल्व आई थिंक फोकसिंग मोर ऑन टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स

इफ्रास्ट्रक्चर आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करना होगा अगर आपके पास गाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है चार्जिंग का मोटर के ऊपर और एक गाड़ी को चार्ज करने में तीन घंटे लग जाते हैं तो वो फिजिबल ही नहीं है तो आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए उसका लोड अलग है उसका ग्रिड के ठीक है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का लोड अलग है इज थर्ड प्रॉब्लम टू बी वो एक ईवी को आपने बेसिकली कर तो लिया

Very interesting conversation with this guy from Easy Bike if you've seen it. Yeah. They're, they're roaming around in yeah. Islamabad and um, you know I had a there are individual components who are working on it. And and my question then comes in ke, whether you someone like you could actually potentially help grow that in, uh, sort of infant industry as well. Yeah. Because you am जब मैं इसमें ज़ूम इन करूंगा तो इसके फिर अपने मसाइल आ जाएंगे कि यार कंज्यूमर साइड पे ये मसला है इस साइड पे ये मसला है डिमांड क्रिएशन का ये है वो जो कि मेरी उनसे सारी बात हुई उन्होंने कहा कि कंज्यूमर में ये मसल तो उन्होंने पहली बात ही है कि उन्होंने कहा जी मैं तो खेलना ही चाहता हूँ बी टू बी में येस yes. मैं पहला स्टेप जाऊँगा मैं कहूँगा कंज्यूमर को कि भाई तेरे में तीस रुपये बचाऊँगा वो कंज्यूमर कहेगा यार मैं एक लाख बीस की गाड़ी क्यों बाइक क्यों खरीदूँ मैं सत्त साठ की खरीदता हूँ चाइना वाली जो कि मुझे जो ना शॉर्ट टर्म पे मुझे पैसा बचा रही है बाद में डे ऑन डे देखी जाएगी वो जा रहे हैं वो कह रहे हैं यार मैं यार फूड पांडा का राइडर है जो कि सुबह से रात तक जब करता है तो उसका जो फ्यूल कॉस्ट की जो बचत है वो उसके हिसाब से एक्सपोनशियल बढ़ी है यार yes. तो मैं जाता हूँ मैं जाके बात करता हूँ जिसके अंदर वो अपना फिगर आउट कर रहा है कि यार मैंने उसकी फाइनेंसिंग किस तरह से करनी है मैंने उसका वो क्या करना है सारा का सारा बिकॉज आई नीड टू गेट द बाइक्स इन इमीजिएटली राइट एंड सो उसके ऊपर वो वो कहता है कि यार मैं जाऊँगा जाकर फूड पांडा से कहूँगा एक लाख बाइक खरीद लो जब एक लाख बाइक खरीदूंगा तो मुझे फूट पांडा ये भी बता रहा है कि यार मेरा चार माइल के रेडियस के स्टेशन कहाँ कहाँ हैं उसमें कितनी बाइक्स हैं तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली exactly मैंने चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे सेटअप करना स्टार्ट करना है राइट right, सो so मैं वहां पर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर आराम से वो कर रहा हूं सो ही हैड अ वेरी क्लियर प्लान नाउ वट कैन एड दैट प्लान पोटेंशियली इज द फैक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो डायरेक्ट फंडिंग है ना जो कि आप कहते हो कि स्टार्टअप स्टार्टअप को फंडिंग hmm. मिली ये तो डायरेक्ट है कि यार स्टार्टअप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी आर एंड डी अपना चीज कितनी प्रोवाइड कर सकता है या कितने स्केल पर प्रोवाइड कर सकता है मतलब कि स्टार्टअप जो है वो कितनी बड़ी फैक्ट्री बना के कितनी बाइक्स पर मंथ निकाल सकता है बट देन इसी के अंदर देर आर कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ एक्चुअली दैट बाइक बी सोल्ड टू द इंडिविजुअल वेयर ही डजेंट हैव टू वरी अबाउट कैर मुझे तो एक लाख बीस हजार रुपया देना पड़ रहा है राधर वो कहते हैं कैर मुझे उतना ही देना पड़ रहा है जितना मुझे ओरिजिनली देना पड़ा था प्लस मंथ ऑन मंथ मेरा जो डिफरेंशियल है वो मैं पे करता हूँ फॉर सिक्स मंथ एंड देन द सेवंथ मंथ फॉर अयर एंड आफ्टर अ ईयर आई एक्चुअली हैव टू पे हाफ ऑफ वॉट आई हैव टू पे इन माई फ्यूल कॉस्ट कंपाउंड विद फ्यूल कॉस्ट राइट नाउ आई फील एक् दैट इज अ इंक्रेडिबल स्नो बॉल इफेक्ट वाली स्पेस जिसके अंदर आज की जो गाड़ियां और प्रोडक्ट बिल्ड हो रही हैं ग्रीन प्रोडक्ट जिसके अंदर आपकी इमोशन रिड्यूस हो रही है वेदर इज द बाइक्स और द कार वट एवर उसके अंदर आप कार्बन क्रेडिट का कॉम्पोन एड कर लेते हो कार्बन क्रेडिट बिकम अ टूल दैट मैनुफैक्चर कैन यूज टू सब्सिडाइज द प्रोडक्ट इन द मार्केट

that is still reducing emissions at a grander scale. and that, those emissions, as thala talked about, if we can sort of aggregate that demand, like even, like you were mentioning, the manufactured level pay at the buyer level, so the person who is sort of, you know, manufacturing them or person who is sort of manufacturing the or setting up the infrastructure, the ev charging infrastructure. usko subsidize mass level pay so that is where uh, the benefit comes in. and because the carbon emissions come over then mm -hmm. as uh, thala mentioned, like, there's a clear case. that carbon credits generate, and that carbon credits then are passed on not to the sort of the consumer because consumer level pay it doesn't sort of uh, pass through uh, individually but what they come through the, uh, the manufacturer the people who are developing the, the the charging infrastructure basically and eventually your consumer they benefit because you bring down the setting up cost yeah, of these facilities yeah, yeah. very interesting and are you talking to any ev companies in so we thing? are pinging them and we are in discussions with them the challenge we have right now is, is awareness, key right? awareness

ये रिकॉर्ड के ऊपर है ताकि आप देख सकते हैं कि मैंने किसी और पॉडकास्ट में ये नहीं बोला वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वेरी रिफ्रेश एंड फॉर ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉर्चिंग अगर आपको अपीसोड पसंद आएंगे अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा इनकी बात से डिस्ग्रीमेंट या अग्रीमेंट करें तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं वट यूर कॉमेंट्स ऑन ईवी एंड क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्कॉसिटी एंड नेट जीरो कार्बन क्रेडिट्स एंड Uh, gain days in Pakistan. Uh, <laughs> <laughs> uh, let us know in the comment section below. this, YouTube like the subscribe to the audio platforms, you'll the episodes, on So join the community, different feedback, share So you can join that as well. you can join If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Mazamil asan You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.